हेलो फ्रेंड्स क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंड्स आज इलेवेंथ क्लास के पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नए चैप्टर को फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर है वो है हमारे पास लिस्ट मैनिपुलेशन इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट कैसे क्रिएट करना है लिस्ट के आइटम्स को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग जो है लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर हम लोग कौन कौन से मैथड्स को यूज कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग करके देखेंगे तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं साथ में तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले इलेवन पॉइंट वन है हमारे पास यानी कि इंट्रोडक्शन है देन उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट मतलब आप लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं तो लिस्ट को क्रिएट करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैथड्स या अलग अलग वेज है जिसके थ्रू फ्रेंड्स हम लोग अपनी लिस्ट को क्रिएट करते हैं और साथ में हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को जो है किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ कुछ डिस्कस करेंगे उसके बाद है फ्रेंड्स लिस्ट के ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हम लोग दो लिस्ट को या दो से ज्यादा लिस्ट को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग अपनी लिस्ट को रिपीट करना चाहते हैं जैसे हम लोगों ने यूज कर रखा था ये एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर था और एक प्लस ऑपरेटर था जो हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर भी उनको यहाँ अप्लाई करके देखेंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग द लिस्ट हम लोग अपनी लिस्ट को किस तरीके से स्लाइसेस कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से यानी कि स्टार्टिंग और स्टॉप जो वैल्यूज अगर आप बताएंगे तो वहां से एक पर्टिकुलर स्लाइस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं लिस्ट को तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग अपने जो लिस्ट है उसकी कॉपी बना सकते हैं यानी कि यहाँ पर है मेकिंग ट्रू कॉपी यानी कि जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे जी एक आपके पास एक लिस्ट है उसी लिस्ट लिस्ट के रेफरेंस पे कोई दूसरी लिस्ट आप लोग क्रिएट करवाना चाह रहे हैं यानी कि एक लिस्ट के दो आपके पास यानी दो रेफरेंस आपके पास हो सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रू कॉपी को लेकर के उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट फंक्शन को लेकर बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे अपने लिस्ट के ऊपर ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वो है हमारे पास में नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और लिस्ट हो सकती है ठीक है तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टू डी लिस्ट को टू डायमेंशनल जो लिस्ट है हमारे पास किस तरीके से आप उसको क्रिएट करते हैं उसके एलिमेंट्स को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो सारे टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ इसको कवर करने वाले हैं उसके बाद है फ्रेंड्स वर्किंग विथ लिस्ट इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपको एलिमेंट्स जो है वो अपने लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं किस तरीके से आप कोई कंटेंट जो है या एलिमेंट जो है वो अपनी लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं इसी टाइप से कैसे आप अपनी लिस्ट को अपडेट करेंगे किस तरीके से आप अपने किसी एलिमेंट्स को उस लिस्ट के डिलीट कर सकते हैं इसी टाइप से अपनी लिस्ट को आप किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनमें से कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या देन उसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इन थ्योरी टॉपिक्स के अलावा इनके प्रैक्टिकल्स को तो हमारे बुक में जो भी प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं या इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं तो वो सारे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है मेरे पास में इंट्रोडक्शन तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर यानी हम लोग यहाँ देखेंगे लिस्ट आखिर होती क्या है लिस्ट को हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आगे फिर उसकी जो दूसरा टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे लिस्ट बनाना है मैंने लिख दिया एल एस टी एल एस टी नाम की क्या है मेरे पास एक वेरिएबल होगी To मैं लिखता लिश्ट। लिश्ट हमारे पास एक, एक स्ट्रिंग पास कर तो कर करी है तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा ये यू बी टी सी एच ये जो आपके पास कैरेक्टर्स है इन सबको क्या करेगा इंडिविजुअल जो आपके पास एक ब्लॉक्स होंगे वहां उसको वैल्यूज जो है वो असाइन करेगा तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है एल वो सपोज ये रही अब इसमें फ्रेंड्स डब्ल्यू जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से आके स्टोर हो जाएगा एस जो है वो इधर आके स्टोर हो जाएगा सी इधर आ जाएगा इस टाइप से फ्रेंड्स डब्लू एस क्यूबैक जो है इस जगह पे आके स्टोर हो जाएगा अब हम लोग जानते हैं हमने पहले भी पढ़ा था यही एग्जाम्पल हम लोग पहले स्ट्रिंग के साथ भी देख चुके थे तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब आप स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं इसी टाइप से अगर आप लिस्ट के बारे में बात करेंगे आगे अगर आप ट्यूबल के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स वहां पर हमारे पास जो इंडेक्स होता है ठीक है इंडेक्स को एक्सेस करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं दो वे होते हैं हम लोग कह सकते हैं दो तरीके होते हैं एक हम लोग जानते हैं जैसे कि जीरो वन टू थ्री इस टाइप से आप चलते हैं और एक आपके पास होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस टाइप से आप वापस आ सकते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक आपको जो है डेटा को एक्सेस करना है चाहे स्लाइसिस के थ्रू या पर्टिकुलर कोई एक इंडेक्स के थ्रू आप उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे तो ये जो है वो आपको अच्छे से आइडिया हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे आप चाहें तो एक बार फिर देख सकते हैं लाइक like मैं कह सकता हूँ सी कहां पर स्टोर हुआ है तो मैं कह सकता हूं जैसे जो भी लिस्ट है एल एस टी एल एस टी का माइनस एट भी कह सकते हैं एल एस टी का टू भी कह सकते हैं सिमिलर फ्रेंड्स अगर टी के बारे में बात करें तो एल एस टी का क्या है माइनस फोर भी है और एल एस टी का सिक्स भी है इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है हमेशा जीरो से होता है हम जानते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे कि खत्म कहाँ हो रहा है तो आप दूसरा तरीका चूज कर सकते हैं वो है हमारे पास माइनस वन तो माइनस वन जो होता है वो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है ठीक है इस टाइप से माइनस वन उसके पहले माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस टाइप से हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते यहां kind of kind of जैसे स्ट्रिंग डाल रहे हैं या कह सकते हैं कुछ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं आप चाहे तो कलेक्शन ऑफ फ्लोट्स वैल्यू डाल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स डाल सकते हैं

फ्रेंड्स म्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप अपने इस लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को ठीक है जैसे फ्रेंड्स मैंने डब्ल्यू एस टैक्स लिखा और मैं चाहता हूं S को मॉडिफाई करना इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके चेंजेस करना जो अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे आप यहां उसको चेंज कर सकेंगे ठीक है तो हम लोग ये कह सकते हैं म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप उस लिस्ट को जो है या लिस्ट के एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है अ लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप विच मीन एनी वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट कैन बी चेंज्ड तो आपने देखा था वहां पर ओरिजिनल चेंज नहीं होती थी उसकी एक कॉपी बनती थी लेकिन यहाँ लिस्ट के अंदर जो है आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर के वैल्यू को चेंज कर सकते यहाँ आपके लिए कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती है इसी टाइप से फ्रेंड्स लिस्ट इज अ सिक्वेंस ठीक है अभी अभी हमने डिस्कस कर रखा है लिस्ट इज अवेंस लाइक अट्रिंग एंड

यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसके बीच में मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या कहलाता है लिस्ट लिस्ट इस के एलिमेंट्स है क्या नहीं है तो ये क्या कहारा एम टी लिस्ट इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैंने तीन एलिमेंट्स डाले हैं नाइन टेन और इलेवन तो यहाँ पर यह वैल्यू किस टाइप की है इंटीजर टाइप इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इंटीजर लिस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 7, 5 .5, तो फ्रेंड्स ये नंबर लिस्ट है जिसके अंदर क्या है इंटीजर भी और फ्लोर्स भी है मिक्सचर आ गया इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास है ए ई आई तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारे पास कैरेक्टर लिस्ट है इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिख दिया ए इसमें फाइव भी है इसमें ई बी एट पॉइंट फाइव बी और एक स्ट्रिंग भी है इसलिए फ्रेंड्स ये क्या कहलाएगा आपका मिक्सड वैल्यू लिस्ट और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिख दिया इस, संडे मंडे ट्यूजडे तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास स्ट्रिंग लिस्ट तो लिस्ट के टाइप से आप चाहे जो क्रिएट कर सकते हैं चाहे सिमिलर डेटा डालिए चाहे डिसिमिलर डेटा आप जहां पर चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो आप यहां पर सिमिलर डेटा डालिए या फिर आप चाहे तो यहां पर डिसिमिलर डेटा को भी स्टोर करवा सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फॉलोइंग वेज दो तरीके होते हैं बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो फ्रेंड्स हम लोग चाहे तो सीधे सीधे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैल्यू डाल सकते हैं या हम लोग एक लिस्ट मैथड को यूज करते हुए उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं ठीक है पहले देखते हैं हम लोग एम लिस्ट बनाने के लिए आप क्या लिखते हैं एल इक्वल्स टू आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा एम लिस्ट ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इसको जो लिस्ट को क्रिएट करने का एक और तरीका है जैसे फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ एल एस टीवल टू लिस्ट लिस्ट नाम का फंक्शन है और फ्रेंड्स इसके बीच में मैंने क्या लिख दिया डब्लू एस टेक ठीक है अब फ्रेंड्स ये वैसे ही जाएगा जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा था एक एक करेक्टर स्टोर हो रहा था एक एक ब्लॉक के लिए प्रिंट कर देगा ठीक है अगर हम लोग चाहते हैं फ्रेंड्स प्रिंट करना या अगर हम लोग चाहते हैं वैल्यू असाइन करना किसी लॉन्ग लिस्ट को ठीक है यानी कि एक लाइन में जो नहीं हो सकती तो उसके लिए आप चाहे तो कॉमन है आप बस कॉमा करते करते वैल्यूज लिख दीजिए और लास्ट में फ्रेंड्स अगर आप चाहें ठीक है जैसे यहां पर देखिए टेन ट्वेल्व उसके बाद कॉमा करके मैंने क्या कर दिया नेक्स्ट नई लाइन के अंदर इस टाइप से वैल्यूज स्टोर की है तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आराम से स्टोर करेगा कोई इशू नहीं है अगर आप वापस प्रिंट करेंगे लाइक मैंने इवन नाम की वेरिएबल में ये पूरी की पूरी वैल्यूज को असाइन किया था तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे ही मैं इवन को प्रिंट करूंगा वो सारी की सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास वो है नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाएगी ठीक है लाइक मैं यहाँ पर ये यह कह सकता हूं आपको कि यहाँ पर जो है वो फ्रेंड्स मैंने लिख रखा नाइन एट उसके बाद में नाइन कॉमा एट कॉमा उसके बाद अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है सेवन और सिक्स एक सब लिस्ट हो गई मतलब लिस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया एक और लिस्ट बना दिया फिर उसके बाद लिखा है वैल्यू फाइव फ्रेंड्स अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस लिस्ट की जो है कितने एलिमेंट्स हैं तो फ्रेंड्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर एलिमेंट्स है ठीक है Nine, eight, seven, six, यहां पर एलिमेंट्स नहीं है Nine, eight, seven, जो है जो आपका एक ही एलिमेंट काउंट होगा ठीक है और उसका टाइप क्या है यहां पर आपके पास जो लिस्ट है और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई आपने सब लिस्ट लिस्ट है एक लिस्ट के अंदर जब एक लिस्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स नेस्टेड लिस्ट ठीक है list, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं एल को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस से वही वैल्यूज को ये प्रिंट कर रहा है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिस्ट क्रिएशन के लिए अगर फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं जैसे कई बार क्या होता है लिस्ट के लिए आपको वहां पर ब्रैकेट्स लिखने की रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप से आपको लिखना होता है तो पता चलता है ये तो लिस्ट है ठीक है अगर बाय द वे आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो फ्रेंड्स वो उसको टेपल के अंदर जो है वैल्यूज को स्टोर कर सकता है ठीक है तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं इवेल फंक्शन को इनपुट करते हैं ना इनपुट इनपुट से जस्ट पहले हमको क्या लिखना है इवेल ठीक है इवेलुएट करने का काम करता है ये चेक करता है कि हमारा डेटा का टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमारी वैल्यूज को वो स्टोर करता है तो फ्रेंड्स मैं लिखता हूं इफ वी वांट टू टू पास वैल्यूज अ लिस्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म ठीक है द देन वी हैव टू राइट फॉलोइंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा इवेल फंक्शन इसको इस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स जैसे एल एस टी की लिस्ट इक्वल्स टू इवेल ठीक है इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडेड आपने जो लिखा है अब ये मैसेज डिस्प्ले करेगा आप जो वैल्यू लिखेंगे फ्रेंड्स उसको जिस टाइप का डेटा डालेंगे उस टाइप की वैल्यूज को वो असाइन कर देगा या स्टोर कर देगा ठीक है आगे देखेंगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग एग्जाम्पल्स में मैं आपको इसको यूज करना बताऊंगा इस टाइप से फ्रेंड्स इवेल फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये क्या करता है जो आपने इसको टाइप सेंड किया है उस टाइप को पहले क्या करता है ये चेक करता है कंफर्म करता है देन उसके बाद उस वैल्यूज को वो वहां पुट करता है ठीक है तो इवेल फंक्शन

इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा टू डबल कोट में थर्टी तो यहाँ पर भी क्या है एक स्ट्रिंग है लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर की जो वैल्यूज एक्चुअल में वो क्या थी, हमारे पास न्यूमेरिक इंटीजर फ्रेंड्स अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट करता हूँ ए प्लस बी ए प्लस बी हम जानते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या कर यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर को ठीक है यानी कि कॉन्केटिशन के लिए जो हम स्ट्रिंग्स में भी देख चुके थे और यहाँ हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करा फ्रेंड्स वो क्या कर देगा ट्वेंटी थर्टी क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो नहीं ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को नंबर की तरह ही ट्रीट किया जाए तो आपको ऐसा लिखना होगा इवेल ऑफ ए प्लस इवेल ऑफ बी इसका मतलब है पहले करो कि वो स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यू किस टाइप की है तो वो इंडीजर टाइप की थी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो क्या आएगा ट्वेंटी और यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स थर्टी ठीक है और ट्वेंटी प्लस थर्टी इक्वल्स टू फिफ्टी को वो प्रिंट करेगा समझ में आया होगा आपको अच्छे से इसी टाइप से एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स मैंने लिखा y इक्वल्स टू इवेल ऑफ थ्री इन टू टेन ठीक है तो ये थ्री जो है फ्रेंड्स वो क्या हमारे पास स्ट्रिंग है और उसके बाद में मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया है मल्टीप्लाई टेन का मतलब यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स तो ये इसको इस तरीके से थ्री 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 कि, वो रिपीट करने का काम कराएगा ठीक है इसी टाइप से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ देखते हैं उसमें फ्रेंड्स मेरे पास है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है फ्रेंड्स ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इवेल इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडिड और फिर उसके बाद में प्रिंट करता हूँ लिस्ट को आपने किस टाइप की वैल्यू डाली है वो वैल्यूज को मैं वापस प्रिंट करवाऊंगा और साथ में उस वैल्यूज का टाइप क्या है उसको प्रिंट ठीक तो है है तो फ्रेंड्स एक लिखा मैंने आप चाहे तो इस एग्जाम्पल को अपने कोड में लिख के देख सकते हैं एल एस टी लिस्ट इक्वल्स टू इवेल ऑफ इनपुट और उसके अंदर लिखा है एंटर लिस्ट टू बी एडेड ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे उस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे और साथ में उसके टाइप को प्रिंट कर देंगे कुछ एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स तो टाइप ले रहा है वो देखिए वैल्यूज उसने किस तरीके से यूज किया है उसने यूज किया है यहाँ पर यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट्स को और इसको इसने किस तरीके से ट्रीट किया है ट्यूबवेल की तरह ठीक है इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ये ब्रैकेट लगाते सपोज ठीक है तो ये इसको क्या बना रहा है अब लिस्ट बना रहा बना है देखिए टू थ्री फोर फाइव इसने लिस्ट बनाया और टाइप कौन सा बताया लिस्ट टाइप बताया इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं लिखता हूँ एटी नाइन पॉइंट फाइव तो फ्रेंड्स वो उसको किस टाइप का बता रहा है फ्लोट टाइप का इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ एटी टू तो वो बता रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू है सेम इसी टाइप से मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दी तो बताएगा वो एस टी आर टाइप की वैल्यूज है ठीक है तो ये आपको जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको आउटपुट दिखाने की कोशिश करी है सेम कोड है आउटपुट जो है सबका अलग अलग, अलग आएगा जो आप वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक्सेसिंग लिस्ट यानी कि हम लोग इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले किस तरीके से आप अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कुछ सिमिलरिटीज है, यानी कि जो स्ट्रिंग हम लोग देख रहे थे और साथ में हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास लिस्ट तो दोनों में आखिर सिमिलरिटीज क्या है ऑलमोस्ट हम लोग दोनों ही तरीके से जैसे आपने स्ट्रिंग में देखा था तो हम लोग वहां जो इंडेक्सेस के थ्रू स्लाइसेस के जो थ्रू है वो हम लोग अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं बिल्कुल यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है तो मैं यहाँ मान लेता हूं इसका नाम है लिस्ट ठीक है इस लिस्ट के अंदर फ्रेंड्स कुछ वैल्यू लिखे लाइक मैंने यहाँ लिख रखा है डब्ल्यू एस क्यूबैक ठीक है यहाँ आपको क्या देखना है इंडेक्स है दो तरीके के इंडेक्स है अभी पिछले स्लाइड्स में भी हम लोग डिस्कस करे थे अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग क्या करें तो कुछ टॉपिक्स जो है पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वी विल सी द सिमिलरिटीज बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग फ्रेंड्स लिस्ट इज अ सिक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग आपके पास सिक्वेंस होती है लिस्ट भी आपके पास सिक्वेंस होता है यानी कि आप अगर उसको स्ट्रिंग कहेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर भी फ्रेंड्स इसका इंडेक्स जीरो वन टू थ्री होगा लिस्ट में भी इसका इंडेक्स जीरो वन टू थ्री ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके पास म्यूटेबल है जबकि स्ट्रिंग आपके पास क्या होती थी इम्यूटेबल टाइप की होती थी ठीक है दूसरा देखते हैं लिस्ट आल्सो हैज द इंडेक्स ऑफ इच ऑफ इट्स एलिमेंट ठीक तो है तो ऑब्वियस है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके पास जो इंडेक्स होता है वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर भी थी लाइक स्ट्रिंग लिस्ट आल्सो हैज टू इंडेक्स वन फॉर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ठीक है एंड जो दूसरा है हमारे पास वो कौन सा है बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए जो माइनस से शुरू होता है इसी टाइप से फ्रेंड्स इन लिस्ट वैल्यूज कैन बी एक्सेसिंग लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग ठीक है है तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा की तरह ही जो है, हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स दोनों में से जो आपको सही लगे उस इंडेक्स को यूज करते हुए इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिंग लिस्ट के अंदर ही वो है हम लोग देखने वाले पहले लैंड फंक्शन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जैसे हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हम लोग लिस्ट के अंदर भी हमारे कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में देख रहे थे जिसमें हमारे पास जो है कुल मिला के फोर एलिमेंट्स थे ठीक है तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास फंक्शन कौन सा है लेंथ फंक्शन आगे हम लोग देखेंगे भी तो एक स्ट्रिंग के अंदर जिस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे कितने कैरेक्टर्स हैं ठीक है वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो हम लोग लिस्ट के अंदर के कितने एलिमेंट से चेक करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं लेंथ फंक्शन लेंथ फंक्शन इज यूज टू गेट द लेंथ ऑफ अ लिस्ट इस टाइप से फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं लिस्ट जो भी है ठीक है उसके ब्रैकेट में मैंने लिख रखा आई आई का मतलब है यहाँ इंडेक्स तो आप किसी का भी इंडेक्स जैसे फ्रेंड्स हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देख रहे थे मैं चाह रहा था सेकंड इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी है फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है तो वो मुझे लेनी है तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं उसका इंडेक्स किस में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में

वैल्यू फ्रॉम आई इंडेक्स टू जे इंडेक्स एक्सक्लूडिंग जे इंडेक्स तो जे को पर्टिकुलर जे जहां है लाइक अगर आपने यहां पे लिख रखा है फ्रेंड्स यहाँ सपोज मैंने जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में लिखा था सिक्स ठीक है तो ये सिक्स को प्रिंट नहीं करता है सिक्स को एक्सक्लूड कर देगा तो ये टू से फाइव की वैल्यूज जो है वही डिस्प्ले करता है तो हम लोग जानते हैं ऐसा हम लोग पहले भी स्ट्रिंग के अंदर कर चुके हैं तो फ्रेंड्स मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है एल एस टी इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ डब्ल्यू एस क्यूब टैक्स मैंने फ्रेंड्स इस लिस्ट को प्रिंट करके देखा डब्ल्यू एस यू बी टी सी एच इस टाइप से इसने वैल्यूज मुझे डिस्प्ले कर दिए फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूँ एल एस टी का टू से सिक्स यानी कि मैं चाहता हूँ जो टू है टू इंडेक्सेज शुरू करूंगा यहाँ पे ये जीरो था ये वन था ये टू फ्रेंड्स यहाँ से, से शुरू करेगा सिक्स यानी कि फाइव तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा सिक्स को एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर देगा तो फ्रेंड्स टू थ्री फोर फाइव ये क्या प्रिंट करेगा सी यू बी तो देख सकते हैं सी यू बी को वो प्रिंट कर रहा है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नीचे कुछ और आ, मैंने इंपॉर्टेंट में डाल रखा है मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे इन और नॉट इन थे ठीक है जैसे हम लोग स्ट्रिंग में देख रहे थे इन और नॉट इन यानी कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट में है या नहीं हम चेक करना चाहते रहे थे रिटर्न क्या करेगा ट्रू या फिर फॉल्स ठीक है तो हम लोग चाहे तो या, या यूज कर सकते हैं इनको और नॉट इनको वैसे ही जैसे स्ट्रिंग में हम लोग डिस्कस करते वर्क इन लिस्ट सिमिलरली एज दे वर्क इन अदर सिक्वेंसिस जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था इस टाइप से फ्रेंड्स प्लस ऑपरेटर एड्स लिस्ट एट द एंड ऑफ अदर लिस्ट वे मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो क्या करता है फ्रेंड्स रिप्लीकेट करवाता है हमारी स्ट्रिंग्स को ठीक है जैसे आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करवाना चाह रहे हैं वैसे ही आप लिस्ट को भी रिपीट करवा सकते हैं आप पर्टिकुलर दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने वाले हैं ठीक है ठीके? या कॉन्टिनेट करने वाले हैं तो वैसे ही आप दो लिस्ट को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या कॉन्टिनेट कर सकते हैं ठीक है बट थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं जो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे जब ज्वाइन करेंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से डिफरेंसेस के बारे में डिफरेंसेस क्या है एक लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में फ्रेंड्स सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास में कि जो लिस्ट होती है फ्रेंड्स वो हमारे पास क्या होती है म्यूटेबल जबकि स्ट्रिंग हमारे पास क्या थी इम्यूटेबल ठीक है तो यही कुछ लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल वेर एज लिस्ट इज म्यूटेबल ठीक है इसका मतलब क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके कई बार कि आप लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो म्यूटेबल है जबकि स्ट्रिंग जब हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे तो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आप वहां पर चेंज नहीं कर सकते इन केस अगर आपने रिप्लेस या कोई दूसरे फंक्शन यूज किए हैं ठीक है कन्वर्ट वगैरह जो भी आपने किया है तो फ्रेंड्स वो क्या करता है उसकी कॉपी बनाता है और वो कॉपी आपको पास करता है कन्वर्ट करने के बाद में ठीक है तो यहाँ पर जो है स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन लिस्ट के एलिमेंट्स को आप इजिली चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यू इन स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज वेयर एज इट इज पॉसिबल विद लिस्ट आप उस लिस्ट के इंडिविजुअल लेटर्स को इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वो है ट्रेवर सिंगल लिस्ट आप अपने लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को एक साथ अगर एक्सेस करना चाहते हैं ठीक है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था ट्रेवरसिंग ऑफ अ लिस्ट मीन टू एक्सेस एंड प्रोसेस ईच एंड एवरी ऑफ दैट लिस्ट लिस्ट उस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो भी हमारे पास आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को हम लोग सारे के सारे आइटम्स को एक साथ कैसे एक्सेस कर सकेंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स ट्रेवर्सल ऑफ अ लिस्ट इज वेरी सिंपल विद फॉर लूप तो हम लोग जानते हैं हमने फॉर लूप में यूज कर रखा है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है जिसमें डब्ल्यू एस क्यूब टैग ही लिखा है बस मुझे क्या लिखना है फॉर ए इन लिस्ट

प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो न्यू लाइन में अपने कर्सर को भेज देता है ठीक है तो अगर हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो उसके आगे कॉमा लिख के हम लोग क्या लिखते हैं एंड इक्वल्स टू डबल डबल स्टार्ट क्लोज इसके बीच में ब्लैंक यानी कि हम लोग अगर वहां अगर सपोज अंडरस्कोर डालेंगे तो यहाँ अंडरस्कोर प्रिंट कर देगा डैश डालेंगे तो डैश प्रिंट कर देगा अगर हम उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो बिना कुछ लिखे वो डब्लू एस क्यूब टैग इस तरीके से प्रिंट कर देगा ठीक है इसी टाइप से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास यहां पर कंपेरिंग लिस्ट आप लिस्ट को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं मीन्स मेरे पास फ्रेंड्स दो लिस्ट है और मैं दोनों के आइटम्स को आपस में कंपेयर करके देखना चाहता हूँ ठीक है तो एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स ऑल रिलेशनल ऑपरेटर लाइक यहां पर ग्रेटर देन 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 लेस ग्रेटर इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू सारे के सारे ऑपरेटर्स जो है यहाँ काम करते हैं कंपेरिजन के साथ बस आपको यहाँ पर यह याद रखना है फ्रेंड्स कि आपके जो टाइप्स हैं जब आप कंपेयर करते हैं तो दोनों का टाइप जो है आपका सेम होना चाहिए ठीक है तो इसी टाइप से फ्रेंड्स आर यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट लिस्ट दो अलग अलग लिस्ट है उनको आप कंपेयर करना चाहते हैं इसके बाद फ्रेंड्स पाइथन कम्पेयर लिस्ट और ट्यूपल इन लेक यहां पर जो है ये एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंड्स हमारे पास लेक्सिकोग्राफिक इसका मतलब क्या होता है कि दोनों की दोनों लिस्ट जो है वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए तो पाइथन जो है वो ये कहता है आपकी चाहे लिस्ट है या आपके पास जो ट्यूपल है वो दोनों अगर सेम टाइप की होगी तो आप उसको इजीली कंपेयर कर पाएंगे अदरवाइज फ्रेंड्स उसमें एरर आएगी अगर दो अलग अलग टाइप हुए तो ठीक है यहां हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है ठीक है हालांकि उसका नाम नहीं दिया क्योंकि मैं जस्ट कंपेयर करने वाला हूं तो फ्रेंड्स इसमें लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव और आगे लिख रखा मैंने नाइन फाइव सिक्स सेवन एट जो भी

अब देखिए ये ट्रू था ये भी ट्रू था ये भी ट्रू था ये भी ट्रू था, भी ट्रू था। लेकिन यहां जब हम लोग आए फाइव इज ग्रेटर देन कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास फॉल्स इसलिए फ्रेंड से क्या रिटर्न कर रहा है फॉल्स तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जब दो लिस्ट को आप कंपेयर करते हैं लाइक ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू सिक्स ऑपरेटर से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग कहते हैं या आप चाहें तो इसको कंपेरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं क्योंकि आप यहां पर अपने दो लिस्ट को आपस में कंपेयर करते हैं इसी टाइप से देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लिस्ट या फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट ऑपरेशंस लिस्ट ऑपरेशंस में फ्रेंड्स हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस को लेकर के जिसमें फ्रेंड्स यहां पर हम लोग ज्वाइनिंग को लेकर देखेंगे इसके अलावा जो है वो रिपीटेशन को लेकर के कुछ बात करेंगे और उसके अलावा जो और भी कुछ ऑपरेशन है वो आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं तो फ्रेंड्स मेन ऑपरेटर्स जो है या कह सकते हैं मेन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन लिस्ट आर क्या क्या है ज्वाइनिंग यानी कि प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए आप दो लिस्ट को अभी ऐड कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर वो हमारे पास है रिप्लीकेट रेप्लीकेट करना ठीक है रेप्लीकेट कह सकते हैं या रिपीट कह सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने लिस्ट के आइटम्स को जो है बार 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 रिपीट कर सकते हैं आगे देखेंगे हम लोग और तीसरा काम है फ्रेंड्स वो हमारे पास लिस्ट को क्या कर सकते हो आप स्लाइस कर सकते हैं लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप निकाल सकते हो एक स्लाइसिस को आप निकाल सकते हैं तो देखेंगे किस तरीके से होता है टू ज्वाइन लिस्ट कौन सा ऑपरेटर है फ्रेंड्स हमारे पास यहां पर प्लस ऑपरेटर ठीक है ऑपरेटर इज यूज विच लिस्ट एट द एंड ऑफ अदर लिस्ट ठीक है तो एक लिस्ट के बाद में दूसरी लिस्ट को अगर आप लास्ट में एड करना चाहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स प्लस ऑपरेटर ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स विथ प्लस ऑपरेटर बोथ द ऑपरेंट शुड बी ये इंपॉर्टेंट लाइन है बोथ द ऑपरेंट्स शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप अगर आपके पास एक लिस्ट है दूसरा कोई दूसरा टाइप का है तो फ्रेंड्स वहां पर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है अदरवाइज एरर विल बी जनरेटेड तो यहाँ पर जो है वो एरर आ सकती है देखते हैं फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स यहां पर मैंने क्या कर रखा है दो एग्जाम्पल्स हैं ठीक है यहां जैसे एक एग्जाम्पल रहा मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें लिखा है टू थ्री फोर फाइव ठीक है या क्या एक एलिमेंट है कह सकते हैं एक लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स है लाइक टू थ्री फोर फाइव इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और लिस्ट बने लिस्ट टू जिसमें डाल दिया मैंने ठीक है अब लिस्ट थ्री में क्या करता हूँ लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैं ऐड करने वाला हूँ तो कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स जो है वो ऐड कर देगा तो इसमें क्या आ गया टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सेवन एट नाइन तो मैंने लिस्ट थ्री के अंदर जो है दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन किया है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर फ्रेंड्स ये जो प्लस हो रहा है ठीक है ये क्या काम कर रहा है दो लिस्ट के आइटम्स को केवल ज्वाइन कर रहा है आपस में आर्थमैटिक ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं Like कई बार हमें ऐसा लग नहीं जाए कि यहाँ सिक्स प्लस टू एट आएगा सबसे पहले ठीक है इस टाइप से नहीं है ये क्या करेगा यहाँ पर केवल ज्वाइन करेगा इसी टाइप से फ्रेंड्स और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ रिक्वायर दैट बोथ ऑपरें मस्ट बी ऑफ लिस्ट टाइप अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है एक लिस्ट बनाई टू थ्री फोर फाइव फा, एक यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या बना दिया है ट्यूपल बना दिया जिसमें लिख दिया सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है एक क्या है हमारे पास लिस्ट है और एक हमारे पास क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर ट्यूपल है तो फ्रेंड्स लिस्ट और ट्यूपल को अगर हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फ्रेंड्स एक एरर आ जाएगी ठीक है कौन सी है टाइप एरर आपको समझ में आया होगा दो अगर सेम टाइप है लिस्ट है तो फ्रेंड्स आप उसको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं अदरवाइज एरर आ जाएगी ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो मैंने क्या कर रखा है यहाँ लिख रखा है टू थ्री फोर फाइव लिख रखा है फिर एक लिस्ट है एक, और मैंने क्या कर दिया दोनों को ज्वाइन किया तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स पर जो है 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 प्रिंट हो चुका ठीक अब मैं पे क्या करता हूं? इस लिस्ट के साथ एड करने की कोशिश करता हूँ लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल एस टी थ्री प्लस टू ठीक है तो लिख दिया है जो भी लिस्ट थ्री है लिस्ट थ्री के यहाँ पर मुझे क्या करना है एक और एलिमेंट एड करना है जो क्या है टू तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ लिस्ट थ्री इक्वल्स टू लिस्ट थ्री प्लस टू ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास एक एरर आ जाएगी है मैं आपसे कह रहा हूं सपोज एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू तो एक्स की वैल्यू में टू ऐड हो जाएगा लेकिन फ्रेंड्स यहां पर क्या है पूरी लिस्ट है लिस्ट के अंदर आप टू ऐड नहीं कर सकते लिस्ट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर जो है एक एरर आ चुकी है वो भी कौन सी आई आपके पास टाइप एरर ठीक है इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट यहां पर इटरेबल अगर आप इस टाइप से फ्रेंड्स उसमें कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं लास्ट में कोई वैल्यू आप एड करवाना चाह रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे एल एस प्लस इक्वल्स टू और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि एक एलिमेंट है लिस्ट का इसलिए आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप टू कर देंगे अगर आप प्रिंट करेंगे देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन उसके बाद क्या हो गया एक और एलिमेंट यहाँ पर एड हो चुका है तो आपको ये एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जब आप अपने दो लिस्ट को ऐड करते हैं तो एक तो उसका टाइप सेम होना चाहिए और टाइप अगर आपका सेम भी है तो उसमें आप एलिमेंट्स और किस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा इस एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें इसी तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिपीट कैसे कर सकते हैं ठीक तो है तो कॉमन है लिस्ट इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव लिखा है मैंने फ्रेंड्स उसके बाद लिस्ट मल्टीप्लाई टू कर दिया मतलब लिस्ट को मुझे दो बार मल्टीप्लाई करवाना है मल्टीप्लाई का मतलब रिपीट करवाना है तो फ्रेंड्स इसका आउटपुट क्या आ जाएगा थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव बिल्कुल कॉमन है हम लोग ये एग्जाम्पल जो है कई बार देख चुके हैं पिछले वीडियोज में भी और पहले के चैप्टर्स में भी इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट स्लाइसिंग यानी कि आप किस तरीके से जो है लिस्ट के अंदर से स्लाइसिस निकाल सकते हैं या कह सकते हैं उसमें से पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं तो एलिमेंट्स निकालेंगे कैसे फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास क्या होगा इंडेक्स ही है इंडेक्स दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं माइनस वाला भी और जीरो से स्टार्ट होता है वो वाला भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू स्लाइस अ लिस्ट सेंटेक्स इज लाइक सिक्वेंस मैं लिख सकता हूँ बताना पड़ता है ठीक है तो यहाँ मैं बता सकता हूँ जीरो से शुरू हो और फ्रेंड्स उसके बाद अगर मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊं तो जीरो से कहां तक जाएगा लास्ट तक फ्रेंड्स अगर मैं कुछ नहीं बताऊँ और यहाँ लिख देता हूँ सपोज सेवन ठीक है तो वो कहां से शुरू होगा जीरो से सेवन तक चलेगा और अगर आप पर्टिकुलर कोई एलिमेंट से शुरू करके पर्टिकुलर एलिमेंट तक या पर्टिकुलर इंडेक्स से पर्टिकुलर इंडेक्स तक भेजना चाहते हो तो वो आपको यहां पर बताना पड़ेगा देखते हैं फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें क्या लिख दिया डब्लू एस क्यूबेक ठीक है ये मैंने प्रिंट करके दिखाया देख लीजिए लिस्ट है इस लिस्ट में डब्लू एस क्यूबेक लिखा है इसमें से फ्रेंड्स मैं कौन सी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ टू से सिक्स तो फ्रेंड्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन ये है फ्रेंड्स हमारे यहां पर इंडेक्सेस तो टू से सिक्स सिक्स को एक्सक्लूड करके कि six से पहले तक की value, cube है, इसलिए क्या प्रिंट कर रहा है कुछ वैल्यू लिखी लाइक टेन इलेवन टीन और ट्वेंटी तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ जीरो से फाइव तो ये एलिमेंट्स इसका इंडेक्स क्या है जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव जीरो से फाइव तो कहां तक प्रिंट करेगा जीरो से फोर तक यानी कि टेन से फोरटीन डिस्प्ले कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं लिखता हूँ जीरो कॉलम टेन कॉलन टू फ्रेंड्स ये जो टू है ठीक है ये लास्ट का जो मैंने टू लिखा है वो मुझे बता रहा है स्टेप्स कितनी वैल्यूज छोड़ छोड़ के लिखना है कितने एलिमेंट्स छोड़ के तो फ्रेंड्स ये जीरो से टेन तक क्योंकि आप देख सकते हैं ये जीरो से लेकर लास्ट आपका टेन तक यानी कि ये क्या करेगा नाइन तक चलेगा और उसमें से भी दो दो के गैप के साथ तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा टेन उसके बाद ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटी एटीन और क्योंकि आपने लास्ट कहाँ तक बताया था नाइनटीन तक अब नाइनटीन तक जाएगा नहीं क्योंकि एटीन के बाद सेकंड स्टेप ट्वेंटी आता है और 20 हमारा एक्सक्लूड था ठीक है तो ये ये प्रिंट तक तक करेगा 18 आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसी टाइप से फ्रेंड्स एक मैंने और एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं बताया तो जीरो से ठीक है शुरू होगा उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कुछ नहीं बताई है तो वहां पे क्या है लास्ट तक चलेगा और उसके बाद क्या लिखा है मैंने माइनस वन माइनस वन का मतलब हो गया वो उल्टा प्रिंट करेगा लाइक जो डब्ल्यू एस टेक ऐसे जाना चाहिए था अब वो वहां उल्टा प्रिंट कर रहा है एस टेक इस टाइप से तो हर एक कैरेक्टर जो है आप उल्टा प्रिंट करवा रहे हैं तो उल्टा प्रिंट करने के लिए आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कॉलन कॉलन माइनस वन ठीक है तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल है मेरे पास जहां पर मैंने क्या कर रखा है एक लिस्ट बनाई है इसमें कुछ वैल्यूज डाली लाइक संडे मंडे ट्यूजडे इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया है जीरो कॉलन टू जीरो वन इसका मतलब फ्रेंड जीरो से टू तक यानी जीरो और वन जो आपके पास इंडेक्स है वहां पर वैल्यू स्टोर करनी है जीरो और वन मतलब ये था जीरो ये था वन, ये था टू इंडेक्स अब फ्रेंड्स संडे की जगह क्या कर दूंगा लिख दूंगा मैं जीरो मंडे की जगह क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा वन और ट्यूसडे ऐसा का ऐसा रहेगा तो प्रिंट करके देखा तो क्या आ गया जीरो वन और ट्यूजडे इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल है जिसमें मैंने क्या कर दिया लिस्ट संडे मंडे ट्यूजडे लिख दिया जीरो कॉलम टू में क्या लिख दिया मैंने ए बी तो फ्रेंड्स ये क्या कर देगा ए इस संडे की जगह क्या लिख देगा ए और मंडे की जगह क्या लिख देगा बी ए बी ट्यूजडे इसका आउटपुट देख सकते हैं आप एक एलिमेंट है ए एक है बी एक है ट्यूजडे इसी टाइप से फ्रेंड्स और मैंने एग्जांपल डाल रखे लाइक मैंने लिखा टू थ्री फोर फाइव अब यहां पर मेरे को कहां से प्रिंट कराना था थ्री से लेकर के लास्ट तक ठीक है अब यहां पर मैंने क्या कर दिया इक्वल्स टू सिक्स सेवन एट तो देखिए फ्रेंड्स ये था जीरो था वन ये था टू ये था थ्री अब फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा टू थ्री फोर उसके बाद फाइव को ये काट के क्या कर देगा सिक्स सेवन एट ठीक है तो देखिए इसको जब मैंने प्रिंट किया टू थ्री फोर फाइव गायब हो गया सिक्स सेवन एट इस टाइप से ठीक है तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्स सेवन एट डालना चाहते हैं यानी कि आप लिस्ट के अंदर डालना चाह रहे हैं तो कोई सिक्वेंस टाइप ही होना चाहिए अगर सिक्वेंस टाइप नहीं है कोई दूसरा टाइप आ गया लाइक मैंने यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिख दिया six, seven, eight, तो एरर क्रिएट हो जाएगा ठीक है यानी क्योंकि लिस्ट आपका एक सीक्वेंस टाइप है इसके साथ अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो आप सीक्वेंस टाइप डाल सकते हैं जैसे फ्रेंड्स यहां पर मैंने सीक्वेंस टाइप डाला यहां पर भी मैंने सीक्वेंस टाइप डाला लेकिन यहाँ सीक्वेंस टाइप नहीं डाला इसमें उन्होंने क्या लिख दिया केवल सिंपल सा सिक्स सेवन एट जो एक इंटीजर नंबर है ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स एरर दे रहा है कौन सी एरर आ गई आपके पास टाइप एरर दोनों के टाइप अलग अलग है ठीक है फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है वो लिस्ट से रिलेटेड है मतलब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करें लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कुछ नया देखते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स जो है वो हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले कि किसी लिस्ट की कॉपी कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारे पास मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट लाइक हमारे पास एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और उस लिस्ट को हम लोग चाहते हैं उसकी एक कॉपी बनाना तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ तीन अलग अलग वेज हैं तीन तरीके हैं यू कैन क्रिएट ए ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग लिस्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं जैसे हमने पहले देखा भी था जब हम लोग एम टी लिस्ट को क्रिएट करे थे तो हम लोग अभी देखेंगे आगे इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है कॉपी मैथड आप कॉपी मैथड के थ्रू भी अपनी लिस्ट की जो है वो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हो उसको एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं ठीक है यूजिंग हमारे पास यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर को यूज करते हुए हम लोग कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए तो बाय स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स ठीक है ऑफ द लिस्ट यूजिंग लिस्ट स्लाइजेज इन इट्स कॉपी तो फ्रेंड्स तीन तरीके हैं लिस्ट मेथड को यूज करते हुए कॉपी मेथड को यूज करते हुए या किसी लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसी दूसरी लिस्ट में आप डाल सकते हैं देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसका नाम है ए फ्रेंड्स ए में मैंने स्टोर कर रखा है वन टू थ्री उसके बाद मैं कहता हूँ बी इक्वल्स टू ए तो फ्रेंड्स कहीं पर मेमोरी में जो एक लिस्ट बन चुकी है और इसके आइटम्स जो है वो है वन टू थ्री इनका इंडेक्स है जीरो वन और टू आप जानते हैं इंडेक्स हमेशा है जीरो से शुरू होता है ठीक है इसका नाम क्या था फ्रेंड्स इसका नाम था ए अब मैंने क्या बोल दिया बी इक्वल्स टू ए मतलब यहां पर यह मतलब होता है कि जिस लोकेशन को ए पॉइंट कर रहा है उसको यहां पर बी भी पॉइंट करे यानी कि रेफरेंस हो चुका है मेरे पास ठीक है अब फ्रेंड्स मैं अगर ए को प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट करेगा वन टू थ्री इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं बी को प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट करेगा वन टू थ्री क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है एक ही वेरिएबल से इसलिए फ्रेंड्स यहां पर मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ कह सकता हूं ए और बी दोनों आपके पास एक जैसे ही है या एक ही है इस टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं कहता हूं ए इक्वल्स टू वन टू थ्री फ्रेंड्स मैंने बोला बी इक्वल्स टू ए इन केस फ्रेंड्स मैं कहता हूँ ए को पहले मैंने प्रिंट करके देख लिया वन टू थ्री बी को प्रिंट करके देख लिया वन टू थ्री अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ए का जो टू है ए का टू कौन सा हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो वन और टू आपको समझ में आ रहा होगा अगर फ्रेंड्स मैं कहता हूँ ए का जो टू है यानी कि जीरो वन और टू ये वाली वैल्यू थ्री की जगह क्या हो जाए एट हो जाए ठीक है तो फ्रेंड्स आप इसको चेंज कर सकते हो ये जो है वो क्या हो जाएगी अब हमारे पास एट अगर फ्रेंड्स मैं प्रिंट करके देखूंगा बी को तो इस बार क्या प्रिंट करेगा वन टू एट ठीक है आपको समझ में आया होगा इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल है जिसमें मैं लिस्ट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है ए इक्वल्स टू वन टू थ्री ठीक है ए एक लिस्ट है जिसमें मैंने तीन एलिमेंट्स जो है वो स्टोर किए हैं पहले में वन दूसरे में टू और लास्ट वाले में थ्री इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला बी इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए लिस्ट थी वो आप यहाँ पर जो कॉपी डाल रहे हैं किसमें बी में अब फ्रेंड्स मैं कहता हूं ए ऑफ वन ऑफ वन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पर आपके पास क्या था ठीक है ये था जीरो है ये है टू अब फ्रेंड्स मैंने क्या बोला ए का वन यानी कि ये वाली जो वैल्यूज है इसको टू की जगह क्या करना चाहता हूँ मैं नाइन ठीक है मैं वापस प्रिंट करके देखूंगा इस बार क्या हो गया वन नाइन थ्री वन टू थ्री की जगह क्या हो गया वन नाइन थ्री और फ्रेंड्स अगर मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो बी क्या थी आपके पास कॉपी थी ठीक है इसलिए वहां पर क्या प्रिंट हो रहा है वन, ये आपको समझ में आया होगा एक तरीका था लिस्ट उसकी एक कॉपी बना दी हमने लिस्ट मेथड को यूज करते हुए अब ए बिल्कुल अलग है बी अलग है अगर आप बी में चेंजेस करेंगे तो ए के अंदर जो चेंजेस का इफेक्ट है वो नहीं होगा ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कॉपी के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सपोज फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट वन थी जिसमें कुछ एलिमेंट्स थे लाइक वन टू थ्री फोर फाइव अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट कॉपी तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स ये लिस्ट वन की कॉपी डाल देगा लिस्ट टू के अंदर अब फ्रेंड्स मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव लिस्ट टू को प्रिंट करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव अब अगर फ्रेंड्स मैं ये करता हूँ लिस्ट टू जो है उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि लिस्ट टू का जो इंडेक्स है यानी कि लिस्ट टू का इंडेक्स ये है फ्रेंड्स ठीक है फर्स्ट इंडेक्स ये है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ जो भी इसकी वैल्यू है उसमें और टेन इंक्रीज हो जाए प्लस इक्वल्स टू टेन लिखा हुआ है ठीक है तो टू में अगर टेन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिस्ट वन को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव और लिस्ट टू को प्रिंट करूंगा तो वन टू की जगह क्या हो चुका है तो आपने जो है उसको मॉडिफाई करके भी देखा है दो अलग अलग लिस्ट है एक लिस्ट वन अलग है एक लिस्ट टू है मैं चेंजेस लिस्ट टू में कर रहा हूँ लिस्ट वन वहां ऑलरेडी अलग से सेपरेटली वहां पड़ी है ठीक है तो लिस्ट वन और लिस्ट टू दो अलग अलग लिस्ट है कॉपी बनाने का एक तरीका क्या था लिस्ट था एक क्या है आपके पास यहाँ पर वो है कॉपी ठीक है और तीसरा मेथड हमारे पास फ्रेंड्स वो क्या है कि इस एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको मैं कॉपी कर सकता हूं किसी दूसरी लिस्ट में फ्रेंड्स एक लिस्ट है मेरे पास लिस्ट लिस्ट एक list two है है ठीक उसके अंदर मैंने लिख रखा है यहाँ पर वन ट्वेल्व थ्री फोर फाइव जैसा आप अभी पिछले एग्जांपल में देख रहे थे फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू लिस्ट एक नई लिस्ट बना रहा हूँ न्यू लिस्ट इक्वल्स टू जो फर्स्ट लिस्ट है ठीक है उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है इस टाइप से ठीक है तो यहां पर जीरो से लेकर के लास्ट जो भी इसका है लाइक जीरो वन, टू, थ्री, फोर, तो जितने भी एलिमेंट्स जीरो से फोर तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे किसमें न्यू लिस्ट फ्रेंड्स जब मैं न्यू लिस्ट को प्रिंट करके देखूंगा तो जो ये वैल्यू है वही की वही वैल्यू हमें वापस यहाँ मिल जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो आप लोग लिस्ट की कॉपी जो है वो तीन तरीकों से बना सकते थे एक कौन सा आपके पास फ्रेंड्स वो है लिस्ट दूसरा आपके पास क्या था वो था कॉपी और तीसरा है कि उसकी जितने भी एलिमेंट है आप उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर जो है वैल्यूज असाइन कर सकते हैं तो तीन तरीके आप चाहे जो यूज कर सकते हैं इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले कि लिस्ट के ऊपर आप कौन कौन से मेथड्स को यूज में ले सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ लिस्ट के ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले कुछ मेथड्स को कुछ फंक्शंस को तो लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स फ्रेंड्स बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा थियोरिटिकली और फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को जो है वो प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले ठीक है तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला फंक्शन है लेंथ लैंड फंक्शन क्या काम करता है फ्रेंड्स लैंड फंक्शन जो है यानी कि हम लोगों ने देख रखा है स्ट्रिंग के साथ भी इसको देखा था और साथ में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है अपने लिस्ट के साथ में भी ठीक है तो पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा इसको मैंने आपको समझाया था ये क्या करेगा फ्रेंड्स जो भी आप इसको लिस्ट पास करेंगे ठीक है जो भी सिक्वेंस आप पास करते हैं तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है आपको बस वो रिटर्न करता है यहाँ क्योंकि हम लिस्ट के साथ लेन को पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेन में हम लोग क्या पास करेंगे अपनी कोई लिस्ट और उस लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स है वो हमको यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करेगा तो फ्रेंड्स इट रिटर्न लेंथ ऑफ इट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है एलिमेंट है मेरे पास वो है लिस्ट लिस्ट फंक्शन क्या काम करेगा तो अभी अभी हमने देखा था फ्रेंड्स इट रिटर्न लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम द पास्ट आर्ग्यूमेंट विच शुड बी अ सेम टाइप यानी कि स्ट्रिंग लिस्ट ट्यूपल if no argument is passed it will create an empty list तो हमने देखा था हमने लिस्ट मेथड को यूज किया था अभी पिछले स्लाइड्स के अंदर तो वहां हम लोग अगर नॉर्मल लिखते हैं लाइक अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ कि lst equals to list तो फ्रेंड्स ये क्या कर देगा एम्प्टी लिस्ट बना देगा और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ लिखता हूं लिस्ट ऑफ 2, 3, 9 तो फ्रेंड्स ये जो है lst नाम की वेरिएबल के अंदर 2 3 4 एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर देगा तो बेसिकली ये जो है वो एक लिस्ट क्रिएट करता है जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हैं उन एलिमेंट्स को उस लिस्ट में स्टोर कर देगा अदरवाइज वो उसको एक एमटी लिस्ट क्रिएट करता है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंडेक्स तो इंडेक्स क्या करता है फ्रेंड्स ये जो है हमें यहाँ पर रिटर्न करता है वो है इंडेक्स तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू आपने अगर यहां पर कोई वैल्यू पास करी है तो वो वैल्यू किस जगह पर है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करता है इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है वो है एक्सटेंड तो एक्सटेंड अपेंड और इंसर्ट ये तीनों का इन तीनों का जो काम है वो क्या है हमारे लिस्ट के अंदर वैल्यूज स्टोर करना ठीक है तो फ्रेंड्स पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपेंड को अपेंड क्या काम करता है हमारे लिस्ट के सबसे लास्ट में फ्रेंड्स like मेरे पास एक लिस्ट है उसमें मैंने टेन एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं अब फ्रेंड्स मैं उसमें एलेवें और स्टोर करना चाहता हूँ कहाँ पे सबसे लास्ट में अगर एक एलिमेंट मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है तो फ्रेंड्स मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा अपेंड अपेंड क्या करता है फ्रेंड्स देखते हैं एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट ठीक है एक एलिमेंट हमारे लिस्ट के सबसे लास्ट में आप एड करना चाहते हो क्या यूज करोगे आप अपेंड लेकिन फ्रेंड्स मुझे एक नहीं एक से ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर एड करने कहां पे लास्ट में तो फ्रेंड्स मैं यहां पे यूज करूंगा वो है एक्सटेंड ठीक है क्योंकि मैं अपनी लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहता हूं अपनी लिस्ट के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्स पे या कह सकते हैं लिस्ट के सबसे लास्ट में जाकर के मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट्स वहां एड करने हैं ठीक है एक ही करना है क्या यूज करूंगा अपेंड एक से ज्यादा करना है क्या यूज करूंगा एक्सटेंड इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो यहां देख सकते हैं एड द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट और एनी ट्रेबल टू द एंड ऑफ द लिस्ट लिस्ट उस में सबसे लास्ट में आप जितने एलिमेंट चाहें वहां आप चाहेंड कर सकेंगे ठीक है है इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और इंसर्ट मैं बात कर रहा हूं सबसे लास्ट में ठीक है सबसे लास्ट में एक ऐड करना है आप क्या यूज कर लेंगे अपेंड एक से ज्यादा यूज करने क्या यूज कर लेंगे आप एक्सटेंड लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहता हूं अपने लिस्ट के बीच में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करना ठीक है अगर मैं वहां पर ऐसे डायरेक्ट लिख देता लाइक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सपोज मेरे पास एक लिस्ट है उसके सेकेंड इंडेक्स पे जाकर के मुझे लिखना है कुछ तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा ओवर कर देगा लाइक पहले की वैल्यू को अपडेट कर देगा चेंज कर देगा मैं चाहता हूँ पहले वाली वैल्यू भी पड़ी रहे बस इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे कुछ और एलिमेंट वहां पर इंसर्ट करने तो उसके लिए फ्रेंड्स मेरे पास मेथड कौन सा है इंसर्ट इंसर्ट क्या करेगा एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजिशन ठीक है आप एक पर्टिकुलर लोकेशन बताएंगे स्पेसिफाइड लोकेशन या पोजिशन बताएंगे वहां पर जो है वो कुछ एलिमेंट्स को वहां स्टोर करेगा इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है पॉप और रिमूव पॉप और रिमूव क्या करते हैं और बेसिकली मैं आगे बात कर लू क्लियर ये तीनों के तीनों का, का काम क्या है फ्रेंड्स वो है डिलीट करना जैसे ये वाले तीन कौन से वाले यहां एक्सटेंड अपेंड और इंसर्ट क्या करते हैं एड करते हैं वैसे फ्रेंड्स पॉप रिमूव और क्लियर फंक्शन क्या करते हैं हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं अगर आप चाहते हैं सभी को एक साथ रिमूव करना लाइक like अगर आप चाहते हैं आपकी लिस्ट को क्या करना है बिल्कुल क्लियर करना है यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को आप वहां से डिलीट करना चाहते हैं आप अपनी लिस्ट को एम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वो है क्लियर रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट और आपकी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी एकदम एमटी लिस्ट लेकिन अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स वहां पर रिमूव द एलिमेंट्स एट द स्पेसिफाइड पोजिशन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के आप चाहते हैं इसको रिमूव करना है आप वहां पर उसकी पोजीशन बताएंगे उसका इंडेक्स बताएंगे तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा उस लोकेशन पे जाएगा और उस पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको वो क्या कर देगा डिलीट कर देगा या रिमूव कर देगा अगर आप उसमें कोई लोकेशन नहीं बताएंगे तो फ्रेंड्स फिर वो सबसे लास्ट में जो आपके पास एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा इसलिए अगर आप चाहते हैं सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हटाना आप नॉर्मल पॉप बिना उसके आर्ग्यूमेंट के लिख दीजिए इन केस अगर आप चाहते हो बीच में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पॉप को क्या बताना पड़ेगा फ्रेंड्स उसकी स्पेसिफाइड पोजिशन यानी कि इंडेक्स इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है उस लिस्ट में कहीं ट्वेंटी एट लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं उस ट्वेंटी एट जहां लिखा हुआ है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे उस वैल्यू को वहां से डिलीट कर दे तो फ्रेंड्स वो है हमारे पास रिमूव रिमूव द फर्स्ट आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू वैल्यू या स्पेसिफाइड का मतलब क्या है फ्रेंड्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर कुछ वैल्यू है जैसे कि फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूं यहाँ पर जैसे सेवन एट नाइन सेवन एट सेवन ठीक है इसमें से फ्रेंड्स मैं चाहता हूं एट को रिमूव करना सारे एट रिमूव नहीं करेगा कौन सा वाला करेगा सबसे पहला जो अकर हुआ है ठीक है तो वही लाइन लिखिए क्या लिखा है रिमूव द फर्स्ट आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू आप पर्टिकुलर एट को रिमूव करना चाहते हैं रिमूव में एट लिख दीजिए जो उस लिस्ट में सबसे पहले एट आएगा उसको रिमूव करेगा ऐसी मैं क्यूब लिखता और उसमें मैं ई को रिमूव करना चाहता था तो ई कौन सा दो बार ई आ रहे डब्ल्यू एस क्यूब में भी ई आएगा और टैक में भी ई आएगा तो सबसे पहले जो ई अकर होता है उसको रिमूव करने का काम किसका है यहाँ पर रिमूव मैथड का तो तीन थे इंसर्ट करने के कौन सा है इंसर्ट बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो अपेंड सबसे लास्ट में एक ऐड करेगा एक्सटेंड सबसे लास्ट में जाकर के आप चाहें जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं ऐसे ही अगर आप डिलीट करना चाहते हो रिमूव करना चाहते हो सभी को रिमूव करना है क्लियर को यूज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके रिमूव करना है आप पॉप को यूज कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे आप उस एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप रिमूव को भी यूज में ले सकते हो इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास कुछ और मैथड है जैसे मैथड है मेरे पास काउंट तो काउंट मेथड क्या काम करेगा फ्रेंड्स ये काउंट क्या करेगा हमारा एक एलिमेंट है उस एलिमेंट्स के अंदर जैसे हमने भी देखा था जिसमें मैंने कुछ लिखा था जैसे फ्रेंड्स यहाँ कुछ वैल्यू है ठीक है जैसे सेवन एट सेवन नाइन सेवन फाइव सेवन टू अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैं सर्च करना चाहता हूँ सेवन तो है इसके अंदर ठीक है अगर मैं इंडेक्स फंक्शन यूज करता तो वो मुझे उसका इंडेक्स पता देता जहां सबसे पहले सेवन मिला है ठीक है मैं यहां पे क्या करना चाह रहा हूँ काउंट करना चाहता हूँ इसमें कितने सेवन है एक दो तीन चार टोटल फोर इसके अंदर जो है वो सेवन अकर हो रहे हैं सेवन टाइम्स तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू आप पास करेंगे सेवन तो सेवन कितनी बार आया फोर टाइम तो वो रिटर्न क्या कर देगा फोर ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है रिवर्स रिवर्स क्या काम करता है हमने एक स्ट्रिंग पास कर रखी है सपोज हमारे पास लिखा हुआ था डब्ल्यू एस पर ऑर्डर डाल रखा है बेसिकली क्योंकि हम लोग लिस्ट से रिलेटेड बात करें तो लिस्ट पर एक बात कर लेता हूं फ्रेंड्स हमारी लिस्ट को जो है वो रिवर्स कर देगा जैसे कि अगर फ्रेंड्स लिस्ट लिखी है तो इसका आउटपुट क्या आएगा टू सेवन फाइव सेवन नाइन सेवन, सेवन एट सेवन इस टाइप से ठीक है उसको उल्टा कर देगा जो भी वैल्यू लिखी है उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है हमारे पास सॉर्ट ठीक है रिवर्स क्या करता है जैसी लिस्ट है बस उसको उल्टा करके डिस्प्ले कर देता है जबकि सॉर्ट फंक्शन क्या करता है सॉर्ट फंक्शन इस लिस्ट को या जो भी आपने लिस्ट पास करी उसको सॉर्ट कर देगा ये क्या डिस्प्ले करेगा फ्रेंड्स तो ये करेगा टू फाइव सेवन 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 एट नाइन इस टाइप से सॉर्ट कर देगा ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं असेंडिंग के लिए नॉर्मल आप शॉर्ट लिखते हैं डिसेंडिंग के लिए हम लोग आगे देखेंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख देंगे जिसको मैं आपको अभी इसी वीडियो में थोड़ा आगे वापस दिखाने वाला हूं ठीक है तो फ्रेंड शॉर्ट क्या करता है आपके कंटेंट को जो भी आपकी लिस्ट आपने पास की है उस लिस्ट को क्या करेगा असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास एक और फंक्शन है वो है सॉर्टेड सॉर्ट sort क्या करता है वो क्या करेगा सॉर्ट हमारी हमने जो लिस्ट पास करी है उस लिस्ट को ही चेंज कर देता है उस लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देता है लेकिन अगर फ्रेंड्स आप वहां पर उस लिस्ट को चेंज नहीं करना चाहते हैं उस लिस्ट की एक कॉपी बनाना चाहते हैं और कॉपी वाली लिस्ट में आप चाहते हैं कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं सॉर्टेड फंक्शन ठीक है function, तो शॉर्ट द लिस्ट और इसमें क्या लिखा है द सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न ये रिटर्न करता है मतलब कॉपी बना के देता है रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट ऑफ़ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि आपने जो क्या काम करेगा? हमने, suppose, friends, उसको ये लिस्ट पास करी है इस लिस्ट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है नाइन तो ये रिटर्न क्या कर देगा नाइन मैक्स में क्या है लिस्ट विद मैक्स वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा सेम मिन मिन फंक्शन क्या करेगा रिटर्न आइटम फ्रॉम द लिस्ट विद मिनिमम वैल्यू तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो रिटर्न करेगा अगर आप इसी इसी को अगर एग्जाम्पल मान रहे हैं तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या कर देगा टू रिटर्न कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास है सम सम क्या कर देगा हमने जो लिस्ट दी है उसके अंदर जो भी आइटम है उन सबका सम कर देगा और वो सम हमें रिटर्न कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट सीक्वेंस अगर आपने यहाँ पर कोई भी सिक्वेंस दिया है लाइक आपने ट्यूपल दिया है तो वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स कॉपी है ये क्या करेगा अ कॉपी ऑफ द लिस्ट ये अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड्स के अंदर ठीक है तो ये क्या करते हैं आप अपनी जो लिस्ट आप जो भी पास करें चाहे आपके पास ट्यूपल है तो ट्यूपल को लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कॉपी फंक्शन क्या कर देगा आपकी कोई लिस्ट है उसको किसी दूसरी जो लिस्ट के अंदर कॉपी कर सकता है ठीक है तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ मैथड्स थे बहुत सारे मैथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं थ्योरिटिकली बताया है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में ये सारे तो फंक्शंस जो है वो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि अगर आप एक बार थोड़ा थ्योरिटिकली जब समझते हैं जब मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा जैसे मैं जैसे बोलूंगा रिवर्स तो आपके माइंड में आ जाएगा रिवर्स का मतलब यहाँ क्या होने वाला है शॉर्ट का मतलब क्या है शॉर्ट और शॉर्टेड में आपके पास डिफरेंसेस क्या है मीन मैक्सम लिस्ट आपके माइंड में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं तो फ्रेंड्स इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले थ्योरिटिकली आपको समझा देता हूँ फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर आप अपने घर पे भी जो है इन इन सारे के सारे प्रोग्राम्स को जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ अगले वीडियो में वो सारी चीजें आप खुद जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर फ्रेंड्स हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है प्रोग्रामिंग करने का वो बहुत ज्यादा बुस्ट होता है इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वो है नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट का होना जैसे जैसे फ्रेंड्स मेरे पास एक है एक एग्जाम्पल है ठीक है मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है जैसे दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं इसको बेसिकली अगर मैं बता दूं तो इस तरीके से कह सकता हूँ एक एल है एल इक्वल्स टू फ्रेंड्स टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव ठीक है कॉमा उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक लिस्ट बना दी सेवन कॉमा एट कॉमा नाइन इस टाइप से कॉमा टू कोमा फाइव इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक लिस्ट बना दी है जिसमें कितने आइटम है एक दो तीन चार पांच छह टोटल सिक्स आइटम्स है कितने आइटम है टोटल सिक्स आइटम्स है या सिक्स एलिमेंट्स है और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो, जो जीरो वन टू और थ्री थ्री इंडेक्स जो है वहां अगेन अगर हम देखें तो वहां क्या है हमारे पास एक लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर हमने क्या बना दिया एक लिस्ट बना दिया है देखते हैं लिस्ट कैन आल्सो होल्ड अदर लिस्ट एज एन एलिमेंट फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक एग्जांपल है जैसे लिस्ट वन इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर ठीक है इसके बाद फ्रेंड्स बनाता हूं, two, लिखा five, six, seven, और, वापस और फिर उसके अंदर एक और हम लोगों ने क्या बना एक लिस्ट बना दी तो फाइव सिक्स सेवन फिर एक और लिस्ट है जिसमें लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव जो लिस्ट वन है तो फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को इंसर्ट करा दिया या यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया है ठीक है तो हम लोग ये कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दी इसलिए फ्रेंड्स क्या बन गई हमारी नेस्टेड लिस्ट ठीक है अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में इस एलिमेंट्स को लिया है तो हम लोग जानते हैं इसका इंडेक्स क्या होगा जीरो वन टू ठीक है ये हो गया टू और फ्रेंड्स यहां से लेके यहाँ तक ये यह पूरा क्या है थ्री तो फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ लिस्ट टू का जो थर्ड एलिमेंट है उसमें भी फ्रेंड्स ये हो गया जीरो ये है वन ये है टू ये है थ्री तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट एलिमेंट ये देखिए थ्री का फर्स्ट ठीक है तो वो हम लोग जो है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप चाहें तो बस क्या करना होगा यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू सपोज फाइव ठीक है इक्वल्स टू फाइव कर देंगे तो वहां फाइव स्टोर कर देगा आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर आप अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं जो आगे भी हम लोग अभी देखने वाले हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे पास एक और एग्जाम्पल है इसमें मैंने क्या कर रखा है मैंने लिख रखा है एल इक्वल्स टू नाइन एट और उसके बाद सेवन सिक्स और फाइव तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो है जीरो वन ये है टू ये है थ्री टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स है फ्रेंड्स फोर ठीक है अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इसको तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा नाइन एट सेवन सिक्स और फाइव मतलब इसके जो सारे एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स है टोटल हमारे पास फोर एलिमेंट्स है ठीक है आप जानते हैं एलिमेंट्स को आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होते हैं हालांकि पर दोनों ही आप यूज कर सकते हैं एक आपके पास जीरो से शुरू होके और दूसरा है जो माइनस वन जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो माइनस वन है जैसे फ्रेंड्स ये वाला अगर हम लोग देखें तो माइनस वन ये वाला हो गया माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस टाइप से ठीक है तो हम लोग देखेंगे इसको आगे हम लोग किस तरीके से और एक्सेस कर सकते हैं नेस्टेड लिस्ट को इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं वो है हमारे पास टू ठीक है यानी कि टू डायमेंशनल लिस्ट फ्रेंड्स अभी हम लोग इस टाइप से एक लिस्ट को देख रहे थे जिसमें हमने लिखा था फाइव सपोज सेवन फ्रेंड सपोज एट एक लिस्ट है अब फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ इस टाइप से अपनी एक लिस्ट बना देता हूँ इसमें लिख देता हूँ सेवन एट नाइन इसमें लिख देता हूँ फाइव सेवन फोर कुछ भी आइटम आप लिख सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये क्या हो गई अब हमारे पास टू लिस्ट आप जानते होंगे टू डे लिस्ट जो है क्योंकि इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है फ्रेंड्स ये तो चल ही रहा था ये वापस फ्रेंड्स जीरो करूं तो मैं क्या कहूंगा जो भी इस लिस्ट का नाम है जैसे कि एल एस टी तो फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे कहूंगा एल एस टी एल एस टी का कौन सा टू का टू ठीक है टू का टू ये है इक्वल्स टू मैं इसको सेवन करना चाहता हूँ तो फोर की जगह क्या हो जाएगा सेवन अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको हम लोग बात कर रहे हैं टू डी लिस्ट के बारे में यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं अभी तक हमारे पास वन वनडी था अब हम इसको क्या देख रहे हैं टूडी लिस्ट फ्रेंड्स यहाँ हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं जैसे अ टू डायमेंशनल लिस्ट इज अ लिस्ट लिस्ट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज ऑफ सेम शेप ठीक है जैसे अगर इसको देखें तो ये लिस्ट कितनी है फ्रेंड्स तो देख सकते हैं थ्री बाय थ्री की ठीक है हर एक रो के अंदर आप देख सकते हैं थ्री अपने पास एलिमेंट्स है तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है उसमें कितने कॉलम है और कितनी रो है ठीक है तो पहले फ्रेंड्स ये है रो और फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा कॉलम ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ आगे जाके देखेंगे किस तरीके से हम जो है इसको क्रिएट करते हैं कैसे इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं कैसे उन वैल्यूज को हम एक्सेस करते हैं थ्रू लूप हम लोग करके देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास ये एक टाइप का जो है टू डी लिस्ट है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स देख सकते हैं टू डायमेंशनल लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट ये एक लिस्ट थी लेकिन कलेक्शन ऑफ लिस्ट है तो फ्रेंड्स ऐसे इसको लिख सकते हैं जैसे कि जब आप क्रिएट करने वाले हैं तो वन टू फाइव सिक्स नाइन टेन ठीक है इजीली आप समझ पा रहे होंगे तो ये इस टाइप से बना देगा इसमें कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स ये हमारे पास टोटल थ्री रोज है और हर रो के अंदर टू टू कॉलम्स है ठीक है इसी टाइप से, इस से फ्रेंड्स में वापस देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एलवन इज अ टू डी लिस्ट एज इट कंटेन थ्री लिस्ट इसमें टोटल कितनी लिस्ट है फ्रेंड्स थ्री लिस्ट है तो तीन रो है हमारे पास ठीक है इच हैविंग सेम शेप ऑल आर सिंगुलर लिस्ट फ्रेंड्स ये सारे के सारे सिंगुलर लिस्ट है ये सिंगुलर ये सिंगुलर ये सिंगुलर लिस्ट ठीक है इन सब के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं टू डी लिस्ट ठीक है तो फ्रेंड्स ये जो हम लिस्ट बना रहे वो नेस्टेड नहीं है मतलब एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट नहीं है जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड्स में हम लोग देख रहे थे लिस्ट के अंदर फिर एक लिस्ट ठीक है तो ये सिंपल से है सिंगुलर लिस्ट है हमारे पास तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे नॉन यहाँ पर जो है ये जो लिस्ट है सिंगुलर लिस्ट जो नॉन नेस्टेड है विद लेंथ ऑफ एलिमेंट्स हर एक के अंदर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर दो दो एलिमेंट्स है ठीक है इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट आर ठीक है तो हम लोग यहाँ अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट ये क्या होता है फ्रेंड्स आर द नेस्टेड लिस्ट विद दिस प्रॉपर्टीज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है किसकी रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट की क्या है फ्रेंड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू डी लिस्ट शेप मतलब सबकी कॉमन रो और कॉमन हाइट रहेगी हमारे पास ठीक है सेम डायमेंशनल एंड लेंथ रहेगी नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ टू डी लिस्ट टेल अबाउट नंबर ऑफ रोज इन एट तो उसमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ रोज की थी जैसे इसको देख के पता चल रहा है हमारे पास टोटल थ्री रोज है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सिंगल रो गिव्स द नंबर ऑफ कॉलम तो इसको देख के पता भी चल रहा है हमारे पास की इसके अंदर टोटल जो है वो तीन रोज हैं और दो दो कॉलम है हर रो में दो 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 कॉलम है टू कॉलम्स है ठीक है तो ये हमारे पास फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट तो हमारे पास एक है रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स वहां पर सभी के जो है सेम शेप नहीं हो जैसे फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता था मैं यहाँ लिख देता हूँ एल टू इक्वल्स टू फ्रेंड्स यहाँ लिख देता हूँ फाइव कॉमा सेवन ठीक है और फ्रेंड्स इसके बाद जैसे हो सकता है इसको मैं फिर से एक लिस्ट आइटम बना लेता हूँ और फ्रेंड्स उसके बाद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नाइन कॉमा एट कॉमा सेवन कॉमा फाइव ठीक है कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमर सेवन सपोज इस टाइप से तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसमें टू कॉलम्स हैं हैं इसके इसके अंदर फोर कॉलम्स अंदर थ्री कॉलम्स हैं तो फ्रेंड्स यहाँ शेप यह नहीं है तो फ्रेंड्स ये रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट नहीं है ठीक है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी अभी हमने जो देखा था ठीक है वो क्या है हमारे पास वो है रेग्ड आपके पास लिस्ट ठीक है लिस्ट दैट हैज लिस्ट विद डिफरेंट शेप ठीक है तो यह हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो शेप्स हैं जैसे फ्रेंड्स यहाँ कह सकते हैं वन टू थ्री इसमें हमारे पास कितने हैं थ्री एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के अंदर तीन हमारे पास कॉलम्स हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स सेकेंड लिस्ट के अंदर हमारे पास कितने हैं दो कॉलम्स हैं तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपके पास जब लिस्ट अगर एक जैसी है या कह सकते हैं लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कॉमन शेप पे आ रहे हैं लाइक उनके सभी की फिक्स्ड जो है वो रो और कॉलम सबकी सेम है तो फ्रेंड्स वो रेगुलर हो जाएगा अदरवाइज वो रेगुलिस्ट है हमारे पास इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली आगे डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ टू डी लिस्ट ट्रेवर्सिंग अ टू डी लिस्ट यानी कि लिस्ट कैसे आप क्रिएट करते हैं टू डी उसको किस तरीके से आप ट्रेवर्स कर सकते हैं मतलब उनके सारे एलिमेंट्स को कैसे आप डिस्प्ले करेंगे और साथ में एक्सेसिंग और चेंजिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ टू डी लिस्ट तो पर्टिकुलर रो और कॉलम तक पहुंच के आप कैसे वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सेस कैसे करेंगे चेंज कैसे करेंगे प्रिंट कैसे करेंगे ये सारी चीजें हैं तो फ्रेंड्स अभी वैसे मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं रो और कॉलम आपको बताना होगा तो बट फिर भी फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको आगे बताता हूं इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास वो है वर्किंग विथ लिस्ट अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये अभी अभी हमने जो है मैथड्स डिस्कस करें वो सारे मैथड्स को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं मतलब उसमें से ऐसे कुछ कॉमन मैथड्स हैं जो हम लोग यहाँ कह सकते हैं लिस्ट के ऊपर आप काम करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने बात करा था अपेंडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट एक लिस्ट के अंदर आपको लास्ट में एक एलिमेंट डालना है तो फ्रेंड्स आप यहां पर फंक्शन कौन सा यूज करोगे अपेंड अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट डालना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या यूज करेंगे एक्सटेंड और अगर आप बीच में कहीं कोई एलिमेंट्स डालना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या यूज करेंगे इंसर्ट अब मैंने लिखा इंसर्ट एंसर थ्री कॉमा थर्टी फोर तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स के थर्ड इंडेक्स पे जाकर के आप क्या स्टोर करने वाले हैं थर्टी फोर वैल्यू ठीक है हो सकता है थर्ड एलिमेंट पे ऑलरेडी वहां कोई वैल्यू थी तो फ्रेंड्स वो आगे शिफ्ट हो जाएगी मतलब थर्ड एलिमेंट आपका फोर्थ बन जाएगा फोर्थ आपका फिफ्थ बन जाएगा और इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज है वो आगे बढ़ जाएंगी और थर्ड वाला फ्री हो जाएगा और फिर थर्ड वाले एलिमेंट पे हम स्टोर करेंगे थर्टी फोर तो फ्रेंड्स ये हो गया इंसर्ट करना अगर हम इसको ऐसा इंसर्ट फंक्शन नहीं यूज करते डायरेक्ट अगर थर्ड एलिमेंट पे जाकर थर्टी फोर अगर आप लिखते तो फ्रेंड्स वो हो जाता अपडेट ठीक है तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मॉडिफाई जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं लिस्ट वन जो है उसका फोर्थ एलिमेंट उसको आपने क्या कर दिया चेंज कर दिया है थर्टी फाइव कर दिया है इस वाले में हमने क्या करा था उसको शिफ्ट किया है और वहां हमने इंसर्ट किया था थर्ड एलिमेंट जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स है वहां थर्टी फोर तो फ्रेंड्स यहाँ था इंसर्ट और ये क्या है हमारे पास यहाँ हम लोग क्या करें अपडेट कर रहे हैं ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो हमने डिस्कस किया था के एक आप पॉप के थ्रू रिमूव कर सकते हो ठीक है पॉप में आपको क्या बताना पड़ता है आपको बताना पड़ता है उसका इंडेक्स अगर आप नहीं बताओगे तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको वो डिलीट कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट था हमारे पास रिमूव रिमूव में आपको बताना पड़ता है किसको रिमूव करना है ट्वेंटी एट को तो फ्रेंड्स हमारी लिस्ट में जहां सबसे पहले ट्वेंटी एट आकर होगा जहां ट्वेंटी एट वैल्यू आपको डिस्प्ले होगी उस ट्वेंटी एट को क्या कर देगा वो वहां से उस एलिमेंट को वहां से डिलीट कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और तरीका था डेल लिस्ट वन अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं डेल मेथड को यूज कर सकते हैं ये क्या करेगा हमारे लिस्ट के अंदर टेन से लेकर के फिफ्टीन यानी कि जो टेन एलिमेंट्स है ना टेंथ एलिमेंट्स यानी इंडेक्स बता रहा हूँ तो इंडेक्स नंबर टेन से लेकर के फिफ्टीन तक फिफ्टीन को छोड़ के उससे पहले तक यानी कि टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन जो एलिमेंट्स हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप सभी को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास फंक्शन था वो था क्लियर ठीक है तो यहां डिलीट करने के लिए क्या हो गया एक हो गया फ्रेंड्स हमारे पास पॉप एक हो गया हमारे पास रिमूव एक हो गया हमारे पास डेल और एक है क्लियर जो क्या कर देगा हमारी पूरी लिस्ट को ही एम कर देगा तो इस टाइप से फ्रेंड्स जो है हमने कुछ मैथड्स डिस्कस किए ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं सॉर्टिंग को लेकर के तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्टिंग अ लिस्ट आप अपनी लिस्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स एक तरीका था वो था सॉर्ट फंक्शन नॉर्मली जब आप सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो फ्रेंड्स ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है मैंने नीचे एग्जाम्पल में बता रखा है और दूसरा अगर आप चाहते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना तो आपको लिखना पड़ता है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू जैसे मैंने नीचे लिखा भी है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू तो फ्रेंड्स ये क्या कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर देगा ठीक है ये क्या करता है सॉर्ट फंक्शन कन्वर्ट करता है जबकि सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है उसकी कॉपी बनाता है और उस कॉपी को कन्वर्ट करता है ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं करता है तो फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल लिखा है जिसमें कुछ वैल्यू है लाइक like 54, 87, 62, 35

ठीक है असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में इसको प्रिंट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर देगा क्लास के लिस्ट मैनिपुलेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले यानी कि चैप्टर इलेवन जो लिस्ट था उसको फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं तो हम लोग जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है लिस्ट आपके पास एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हम लोग जो है सिमिलर टाइप या डिसिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं जैसे अभी हम लोगों लो ने डिस्कस कर रखा है स्ट्रिंग को डिस्कस किया था स्ट्रिंग क्या थी वो भी एक सीक्वेंस था लेकिन स्ट्रिंग के अंदर फ्रेंड्स आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते और फ्रेंड्स मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि उसको ट्रीट किया जाता है एज अ कैरेक्टर्स ठीक है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कह करे सकते हैं हम लोग स्टोर कुछ भी कर सकते हैं लाइक आप नंबर भी कर सकते हैं बट उस नंबर को भी ट्रीट किया जाता है एज अ स्ट्रिंग या एज अ कैरेक्टर्स ठीक है तो यहाँ हम लोग लिस्ट में क्या देखने वाले फ्रेंड्स यहाँ लिस्ट में हम लोग अपने लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे लिस्ट में कैसे अपनी वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं वैल्यूज को स्टोर करने के बाद कैसे आप उसके ऊपर कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लाइक like ज्वाइन करना है लाइक like आपको रिपीट करना है आपको स्लाइसेस बनानी है इंडेक्सेस को एक्सेस करना है लिस्ट को आप यहाँ पर कॉपी बनाना चाहते हैं लिस्ट की कॉपी लिस्ट के ऊपर बहुत सारे फंक्शन लगाना चाहते हैं एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को अब हम लोग डिस्कस करते हैं तो चल रहे तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को लिस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे लिस्ट वन नाम से सपोज एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ लिस्ट और देन उसके बाद में फ्रेंड्स में इसमें कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ जैसे फ्रेंड्स लिख सकता हूँ सपोज डब्ल्यू एस क्यूब टैक ठीक है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वैल्यू जो स्टोर हुई लिस्ट फंक्शन के थ्रू मैं लिस्ट वन की वैल्यू प्रिंट करूंगा आप देख सकते हैं इस टाइप से वैल्यू स्टोर हो गई है आपको लिस्ट को बस इस तरीके से ऑब्जर्व करना है कि फ्रेंड्स आप उसको ऑब्जर्व करें तो इसके पहले और लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर सारे सेपरेटेड वैल्यूज है तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसके अंदर जो अपने अकॉर्डिंग भी अगर इसमें स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ जैसे कि सपोज की एल एस टी वन नाम की वेरिएबल बना देता हूँ और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ इक्वल्स टू और फ्रेंड्स सपोज टू थ्री फाइव समथिंग जो भी आप कुछ वैल्यू इसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं आप इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं टाइप तो से फ्रेंड्स मैंने एक लिस्ट बना दी है वन करके जब मैं प्रिंट करूंगा आप देखेंगे टू, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी और साथ में इसका जो ब्रैकेट है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है आप चाहें तो लिस्ट नाम के फंक्शन को यूज करते हुए भी क्रिएट कर सकते थे इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं वापस एक और वेरिएबल बना देता हूं जिसका नाम रख देता हूं लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट कर देता हूँ और फ्रेंड्स इस टाइप से मैंने इसके अंदर वैल्यू एक भी पास नहीं करी है

इसी टाइप से फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं तो लिस्ट बनाना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स अभी तक अपने पास एल एस टी वन पड़ा है तो मैं एल एस टी वन की कुछ वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ ठीक है तो मैं लिख देता हूँ एल एस टी ऑफ सपोज टू इंडेक्स आप जानते हैं जीरो से शुरू होता है जीरो पे आपको क्या मिला फ्रेंड्स इसी टाइप से थ्री उसके बाद फाइव तो मैं फाइव की बात कर रहा हूँ फाइव को फ्रेंड्स प्रिंट करना चाह रहे हैं अच्छा यहाँ पर जो है मैंने एल एस टी जो है एल एस टी वन लिखना था इसलिए फ्रेंड्स मैं इसको वापस कर देता हूँ एल एस टी वन जो है क्योंकि वेरिएबल का नाम सही नहीं लिखा था ठीक है एल एस टी वन ऑफ सपोज फ्रेंड्स में टू लिखता हूँ तो आप देखेंगे फाइव को प्रिंट कर देगा आप मॉडिफाई करना चाहते हैं एल एस टी जो भी आपके पास इसका नाम है एल एस टी वन ऑफ सपोज आप यहाँ पे टू जो है उसकी वैल्यू थर्टी करना चाह रहे हैं थर्टी हो जाएगी आप फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर एल एस टी वन नाम की वेरिएबल को प्रिंट करेंगे टू थ्री फाइव की जगह फ्रेंड्स यहाँ पर टू थ्री और जो भी थर्टी है वो उसने उसको अपडेट कर दिया तो आप यहाँ पर लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा इसी टाइप से कुछ और काम इस पे हम लोग देखते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जैसे एम लिस्ट हमने क्रिएट कर दी थी क्या लिखा था एल ठीक है आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जैसे फ्रेंड्स मैं एल कर देता हूँ और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ एल एस टी जो है एल एस टी इक्वल्स टू सपोज ये लिख देता हूँ तो मैंने क्या कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट बना दिया प्रिंट करके देख सकते हैं अभी हमने देखा भी था एल एस टी करेंगे ये आपके पास एक एम टी लिस्ट है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इसमें कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं नंबर स्टोर कर सकते हैं नंबर भी हम लोग देख चुके जैसे मैं इसको फिर से मॉडिफाई कर रहा हूँ ठीक है एल एस टी इक्वल्स टू फ्रेंड्स वन टू थ्री फोर फाइव समथिंग जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो तो आप इतने इस बार यहाँ पर जो है एल एस टी के अंदर क्या स्टोर कर दिया फ्रेंड्स नंबर इसी टाइप से फ्रेंड्स एल एस टी के अंदर मैं यहाँ पर जो इस बार टू पॉइंट फाइव कॉमा टू पॉइंट सिक्स कॉमा यहाँ पर जो है वो टू पॉइंट सेवन समथिंग इस टाइप से कुछ वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर दी तो आप देख सकते हैं एल को जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास फ्लोट टाइप की वैल्यू आ चुकी है ऐसी फ्रेंड्स आप मिक्स कर सकते हैं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एल जो आपके पास है ठीक है एल एस टी इक्वल्स टू और यहाँ पर फ्रेंड्स में लिखना चाह रहा था सपोज संडे ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स में लिखना चाह रहा था सपोज कि मंडे ठीक है इसके बाद फ्रेंड्स में लिख देता हूँ यहाँ पर वन टू थ्री इसी टाइप से फ्रेंड्स टू पॉइंट फाइव समथिंग कुछ भी आप वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं ठीक है नाइन पॉइंट एट मतलब यहाँ मैंने इंटीजर भी डाल दिया मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग को भी इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को भी स्टोर करना चाह रहा हूँ कुछ भी आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं प्रिंट करके देख सकते हैं एल को सबकी सब, सब वैल्यूज आ चुकी हैं तो आप यहाँ पर किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं आई थिंक ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रिंग डालना चाह रहे हैं तो लॉन्ग स्ट्रिंग के लिए क्या कर सकते हैं जैसे एल नाम की वेरिएबल ही लेता हूँ फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ टू थ्री समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू और उसके बाद मैं एंटर करके भी इसमें कुछ वैल्यूज को असाइन कर सकता हूँ इस टाइप से आप इसमें कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हैं मल्टीपल लाइन में एल को प्रिंट करके देख लीजिए वो सारी वैल्यू कंटिन्यू उसके अंदर स्टोर हो चुकी है आपको ऐसा समझ में आएगा आप इसके अंदर फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैं लिख सकता हूँ एल ठीक है एल के अंदर मैं जो लिखता हूँ एल और इसके अंदर सपोज फाइव ऐसे कुछ वैल्यूज है अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर एक और लिस्ट बनाना चाह रहा था इसी टाइप से इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने कुछ और वैल्यू लिख दी और उसके अलावा फ्रेंड्स मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यू स्टोर करना चाह रहा था तो ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्या है आपके पास में लिस्ट के अंदर आपने एक लिस्ट और क्रिएट कर दी तो फ्रेंड्स हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं एल कितनी वैल्यूज है आपके पास अगर आप चेक करना चाहते हैं लैन को भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल तो वैल्यूज आ गई आप यहाँ पर लैन ऑफ एल भी कर सकते थे तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स है वो भी आपको डिस्प्ले कर देगा

फ्रेंड्स किस तरीके से इसको यूज करेंगे तो मैं एक काम कर सकता हूँ एक्स नाम की वेरिएबल बना सकता हूँ और इसके अंदर मैं इनपुट कर देता हूँ ठीक है तो इनपुट में मैं क्या लिख दूंगा जैसे एंटर लिस्ट आइटम ठीक है तो ऐसी कुछ भी जो है वो लिस्ट का आइटम जो है इसके अंदर स्टोर कर दूंगा ठीक है एंटर लिस्ट आइटम लिख देता हूँ अब फ्रेंड्स हम हाँ जानते हैं कि इनपुट फंक्शन का जो डिफॉल्ट टाइप होगा जब ये रिटर्न करेगा एक्स को तो क्या करेगा फ्रेंड्स उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा तो इसलिए फ्रेंड्स मैं क्या कर देता हूँ इवेल अब इवेल करने का मीनिंग आप चाहें तो लिस्ट भी लिख सकते थे ठीक है लेकिन इवेल करने का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स ये होगा कि जब यूजर वैल्यू डालेगा अगर वो नंबर डालेगा तो उसको नंबर की तरह स्टोर करेगा अगर वो कैरेक्टर डालेगा तो कैरेक्टर की की तरह तरह स्टोर स्टोर करेगा करेगा फ्लोट फ्लोट डालेगा तो की तरह करेगा। मतलब लिस्ट के के अंदर के जो आइटम्स हैं ठीक है उसको उसको किस तरीके से आप स्टोर करवाना चाह रहे जो भी एक्स के अंदर वैल्यू जाएगी वो किस टाइप की होगी बस हम उसको इस तरीके से यूज करना चाह रहे हो तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लेंगे इवेल को यूज करने वाले तो फ्रेंड्स आई थिंक ये आपको समझ में आगेगा स्टेटमेंट क्या लिखा है अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं एक बार चेक करना इवेल को ठीक है क्योंकि ये तो यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ यूजर ने जो टाइप किया वो क्या था तो एक्स के अंदर हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे और साथ में मैं आपको इवेल फंक्शन का फीचर बताने के लिए फ्रेंड्स क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप ऑफ एक्स तो टाइप ऑफ एक्स क्या कर देगा फ्रेंड्स साथ में उसका टाइप भी अपन को बता देगा तो अगर हम लोग इनपुट करेंगे सपोज स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग दिखाएगा टाइप अगर हम लोग इनपुट करेंगे यहाँ पे नंबर तो फ्रेंड्स नंबर दिखा देगा जैसे इंटीजर है लाइक फ्लोट है ठीक है अगर आप लिस्ट टाइप डालेंगे तो लिस्ट दिखा देगा जो भी आप लाइक like, टपल वगैरह जो भी आप इसमें डालेंगे उसका टाइप आपको यहाँ पर इवेल जो है वो डिस्प्ले करेगा आई थिंक ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स ये बोल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं स्टोर करने वाला लिस्ट और हम जानते हैं फ्रेंड्स लिस्ट के लिए आपको क्या लगाना होता है पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट्स ठीक है तो इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर दी है मैं जाके देखना चाह रहा हूँ क्या है आप देख सकते हैं नंबर आ गए हैं जो भी आपने डाले और साथ में उसका टाइप क्या था लिस्ट था ठीक है ये क्लियर हो चुका होगा इसी टाइप से फ्रेंड्स इस कोड को मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूं। इस बार फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूं तो मैं यहां पर जो है लिख देता हूं कॉमन एट कॉमन नाइन तो अगर फ्रेंड्स अगर आप इस टाइप से कोई वैल्यू डालते हैं जिसमें आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है ठीक है तो फ्रेंड्स याद रखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स को ही यूज करना है तो अभी फ्रेंड्स ये इसको किस तरीके से ट्रीट करेगा एज अ टपल ठीक है तो टपल जो है हम लोग

ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं कोई स्ट्रिंग को ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ जैसे कि सपोज ए बी सी डी आप कुछ भी डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स वो क्या दिखाएगा आपने स्ट्रिंग डाला है एबीसीडी इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इनपुट करने वाला हूँ केवल एक नंबर जैसे नाइन तो फ्रेंड्स वो इंटीजर है इसी टाइप से अगर आप सपोज कोई फ्लोट वैल्यू डालने वाले हैं फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ नाइनटी एट पॉइंट टू थ्री समथिंग कुछ तो वो देखेंगे तो वो भी क्या आपके पास फ्लोट टाइप की वैल्यू डिस्प्ले यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका होगा ईवेल क्या करता है किस टाइप की वैल्यू आप डाल रहे हो उसको उसी तरीके से आपको शो करता है और उसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करके देख रहे हैं तो ईवेल आपको क्लियर हो चुका होगा यूजर से हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं लिस्ट ये आपको क्लियर हो चुका होगा हम लोग जब आगे फ्रेंड्स कभी कभी भी कोडिंग करेंगे तो उस कोडिंग के अंदर अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स ये फर्स्ट लाइन लिखनी होगी यानी कि एक्स इक्वल्स टू ईवेल ऑफ इनपुट और उसके बाद जो भी आप मैसेज डालना चाहें तो फ्रेंड्स यूजर से इनपुट लेना हमें यहाँ पर जो है वो समझ में आ चुका है

यानी में आपने जो भी एलिमेंट्स है एक्स की जो भी वैल्यू वो सारी एक एक करके ए के अंदर स्टोर होगी और फ्रेंड्स उसके बाद में मैं की वैल्यू को प्रिंट करवा देना चाहता हूँ तो इस टाइप से जब हम लोग फ्रेंड्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देख सकते हैं ये हमसे क्या करेगा पहले हमें एक इनपुट लेने को बोलेगा हम लोग यहाँ पर इनपुट के लिए डालते थे कोई भी नंबर जो भी आप चाहे यहाँ पे ठीक है इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर दी है और उसके बाद में हम क्या चाहते हैं इसको एक एक एलिमेंट जो भी पहले एट प्रिंट करे फिर सेवन करे फिर नाइन करे सिक्स टू ऐसे करके सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक एक करके यहाँ पर एक्सेस करने वाले हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करें फ्रेंड्स फॉर लूप को करें लूप से सारे वैल्यूज आती है बस इसका एक नाम दिया हुआ है जिसका क्या नाम है ट्रेवर्सल या ट्रेवर्स कर सकते हैं तो हम लोग जो है वो अपने लिस्ट के सारे आइटम को एक एक करके यहाँ पर जो है वो एक्सेस करें तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स ट्रेवर्सल क्या होता है आपके पास इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है लिस्ट के ऊपर जो है कुछ और ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं तो फ्रेंड्स मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जो है फिर से मैं इसको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम रहेगा तो फ्रेंड्स फिर से मैं आइडियली को एक बार स्टार्ट कर देता हूँ जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम क्या काम करने वाले हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ लिस्ट बना देता हूँ ठीक है एल एस टी वन नाम देता हूँ इसका और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं कुछ भी स्टोर कर लेता हूँ जैसे सपोज कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ एल एस टी वन इक्वल्स टू टू थ्री समथिंग कुछ नंबर इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर ली है अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि तीन काम करने वाले पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यू प्रिंट कराऊंगा देन स्लाइसिस बता देता हूँ आपको तो फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूँ एल एस टी वन नाम की वेरिएबल जो है उसका थर्ड एलिमेंट मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ थर्ड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा थर्ड एलिमेंट मतलब सॉरी यहाँ पे थ्री इंडेक्स है तो क्या है जीरो वन टू थ्री यानी कि सिक्स को ये प्रिंट कर देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट को मुझे रिपीट करवाना है बार बार तो क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स एल एस वन को मुझे रिपीट करवाना है थ्री टाइम्स तक ठीक है समझ में आ रहा होगा इसी टाइप से फ्रेंड्स आप किसी लिस्ट के अंदर जो है यहाँ पर जो है ऐसे एक काम करते हैं मैं एक और बना देता हूँ जैसे कि एल एस टी वन था आपके पास एल एस टी वन के अंदर फ्रेंड्स मैं स्टोर कर देता हूँ टू थ्री फोर फाइव समथिंग एक लिस्ट बना देता हूँ इसी टाइप से फ्रेंड्स एल एस टी टू जो है यहाँ पर जो है प्रिंट करना चाहता हूँ एल एस टी वन प्लस एल एस टी टू को ठीक है तो दोनों लिस्ट जो है वो कंबाइन होकर के हमें डिस्प्ले कर देगी आप चाहें तो एल एस टी थ्री के अंदर भी स्टोर कर सकते थे एल एस टी वन प्लस एल एस टी टू को तो फ्रेंड्स ये उसके अंदर स्टोर कर देगा और एल एस टी थ्री जो आपने बनाई उसको भी आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस जगह पर मैंने क्या काम किया फ्रेंड्स जहां आप देख रहे हैं तो ये है रिपीटेशन का, का काम रेप्लीकेशन का, का काम उस लिस्ट को आप कितनी बार रिपीट करना चाह रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए जबकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं दो लिस्ट को एक साथ में ज्वाइन कर रहे हैं

इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं लिस्ट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं ठीक है उसमें से स्लाइस निकालना तो एल एस टी वन है आपके पास एल एस टी थ्री लेता हूं मैं क्योंकि अपने पास इसमें डेटा ज्यादा है एल एस टी थ्री में फ्रेंड्स मैं लेना चाहता हूं टू से लेकर के सिक्स तक की वैल्यू मतलब टू से लेकर के सिक्स लिखा है तो टू से फाइव तक की वैल्यू ही आपको जो है वो प्रिंट करने वाला है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जीरो वन टू टू यहां से शुरू हुआ टू थ्री और उसके बाद हमने तो सिक्स तो क्या क्या? कहा है लिस्ट को और लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं है। इसी टाइप से ये जीरो इंडेक्स से शुरू करेगा क्योंकि मैंने यहां कुछ बताया नहीं तो उसके बाद कहाँ तक जाना फ्रेंड्स सिक्स लिखता हूं तो ये फाइव तक की वैल्यू मुझे प्रिंट करके देने वाला है लिस्ट जीरो से शुरू करके फाइव इंडेक्स तक की वैल्यू देगा क्योंकि मैंने सिक्स लिखा है सिक्स को एक्सक्लूड कर देता है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यह भी कर सकता था कि जो एल एस है वहां पर ये टू से शुरू करे और फिर उसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा तो टू से लेकर के लास्ट इंडेक्स जितना भी है ठीक है इंडेक्स नंबर टू से शुरू करेगा जो है अपने पास फ्रेंड्स फोर फोर से लेकर के जितने भी लास्ट आपकी वैल्यूज है वो सारी के सारी आपको प्रिंट करके दे देगा इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग ये भी कर सकते थे कि मैं इसको उल्टा प्रिंट करवाना चाह रहा था तो आप ऐसा कर सकते थे जैसे लिख सकते थे एल एस टी थ्री आपके पास में इसके अंदर आप कुछ भी नहीं बताएं ठीक है ठीके? देन कुछ भी नहीं बताएं और क्या लिख लिखते बस आप तो माइनस वन लिख दीजिए तो आप देखेंगे फ्रेंड्स आपकी उस लिस्ट को इसने उल्टा प्रिंट कर दिया ठीक है रिवर्स ऑर्डर में इसने उसको प्रिंट कर दिया इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके पास लिस्ट थ्री थी ठीक है इसके अंदर आप ऐसा कर सकते थे देन उसके बाद में आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि सपोज के स्टेप से आपको उसको प्रिंट करना है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे टू थ्री वैल्यू स्टोर कर रखी थी ठीक है या यहाँ पर आपके पास टोटल जो लिस्ट थ्री की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है ठीक है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स एक एक गैप के साथ मतलब टू के स्पेस से हम लोग चल रहे हैं टू देन थ्री नहीं फोर फाइव नहीं सिक्स सेवन नहीं एट इस टाइप से वैल्यूज हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते तो friends, ये जो आप देख रहे हैं वो पहले आपको बताना होता है यहाँ पर, पर बताते हैं अपने जैसे, बता रहा हूं, कर देंगे, तो वो उल्टा प्रिंट करना शुरू कर देगा आई थिंक फ्रेंड्स स्लाइसेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स जब आपके पास स्लाइसेज आ जाती है तो स्लाइसेज के बेस पे हम लोग वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स जैसे मैं लिख देता हूँ एल एस टी थ्री है आपके पास उसके टू से लेकर के फोर जो आपके पास है मतलब टू और थ्री आपके पास टोटल दो वैल्यूज होंगे ठीक है इसको फ्रेंड्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ए और बी तो फ्रेंड्स जैसे मैं यहाँ एंटर करूंगा आप देखेंगे इस बार अगर मैं एल एस टी थ्री की वैल्यू को प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा जो टू और थ्री इंडेक्स थे ठीक है वहां पर उसने क्या कर दिया ए और बी कर देगा मतलब नाइन एट ठीक है उसके बाद में आपके पास क्या आएगा मतलब इसका जो इंडेक्स आपके पास टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो भी वैल्यू स्टोर थी तो फ्रेंड्स टू थ्री के बाद फोर फाइव की जगह उसने क्या कर दिया उसको ए और बी में कन्वर्ट कर दिया ठीक है आई थिंक ये आपको समझ में आएगा इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग इसके ऊपर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार आ, अपना जो आइडियली एक बार स्टार्ट कर देता हूं ठीक है तो आइडियली में जाएंगे और यहां पर हम लोग इसके अंदर कुछ और कंटेंट यहां पर डाल के देखते हैं तो फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं आ, एक और ऑपरेशन हम लोग इसके ऊपर अप, अप्लाई करने वाले है वो है फ्रेंड्स अपने पास कंपेरिजन को लेकर के तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ एक लिस्ट बना देता हूँ एल ठीक है एक काम करते हैं हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ सपोज वन टू कोमा थ्री कोमा फाइव जो भी वन टू थ्री फोर फाइव समथिंग मैंने लिख दिया है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक और लिस्ट दे देता हूँ वन टू थ्री फोर और बस इतना ही रख लेता हूँ ठीक है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर से बड़ा है कि अगर है तो ये रिटर्न क्या कर देगा फ्रेंड्स अपन को ट्रू ठीक है इसी टाइप से मैं क्या कर देता हूँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिख देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक और लिस्ट डाल देता हूँ ठीक है इस टाइप से फ्रेंड्स एक और लिस्ट डाल देता हूँ क्या ये इससे बड़ा है क्या तो फॉल्स आ जाएगा

कंपेरिजन uh, ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो यहां पर काम करते हैं रिटर्न क्या करते ये? हैं जैसे फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ लिस्ट वन ठीक है या मैं इसका नाम रख देता हूँ फ्रेंड्स एल एस टी वन कर देता हूँ एल एस टी वन के अंदर फ्रेंड्स मैं स्टोर कर दूंगा ऐसे कुछ नंबर ठीक है तो ये अपने पास क्या है लिस्ट वन है इसी टाइप से फ्रेंड्स में एक और एल एस टी यहाँ पर बना सकता हूँ जैसे एल एस टी टू कर देता हूं इक्वल्स टू एल एस टी वन कर देता हूं तो फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है एल एस टी टू इक्वल्स टू एल एस टी वन कर दिया मैंने इससे क्या होगा कि यहां पर एल एस टी वन की जो वैल्यू वो की वो एल एस टी टू में भी हो जाएगी अब फ्रेंड्स अगर आप LST को print करेंगे वही वैल्यू है LST को print करेंगे तो भी वही value। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा friends, ये copy हो चुका है, लेकिन ये copy नहीं हुआ है मैंने थ्योरिटिकली आपको बताया था कि ये क्या करता है जहां पर फ्रेंड्स हमने स्टोर किया था ना फाइव एट नाइन उसका एक नाम था एल एस टी वन अब उसका एक और नाम हो गया एल एस टी टू इसका मतलब friends, अगर मैं एल एस टी वन के सेकेंड एलिमेंट को मॉडिफाई कर देता हूं ठीक है अब अगर आप एल एस टी वन को प्रिंट करेंगे तो भी देख सकते हैं और एल एस टी टू को देखेंगे तब भी आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी है इसका मतलब वो एक ही वैल्यू थी उसके बस नाम हमने अलग अलग कर रखे थे लिस्ट वन भी था और लिस्ट टू भी था एल एस टी वन और एल एस टी टू तो फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूं कि कॉपी बनाना लेकिन अभी यहां पर जो है कॉपी बनी नहीं है तो फ्रेंड्स कॉपी बनाने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग मेथड्स थे मैंने आपको बताए थे एक आपके पास क्या था जिसमें हम लोग यहाँ पर यूज करे थे लिस्ट फंक्शन दूसरा था कॉपी और तीसरा था सारे स्लाइसिस के थ्रू तो फ्रेंड्स मैं क्या कर देता हूँ एक काम करता हूँ इसको बंद करके फिर से एक बार और आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ फ्रेश तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या कर दूंगा फिर से आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं एक ए नाम की वेरिएबल बना देता हूँ और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ जैसे फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वन टू तो, थ्री फोर फाइव इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक, एक लिस्ट बना दी ए अब मैं फ्रेंड्स लिखूंगा बी इक्वल्स टू क्या लिखने वाला हूँ लिस्ट ठीक है और इसमें पास कर दूंगा ए ठीक है तो जो भी आपके पास ए की वैल्यू लाइक वन टू थ्री फोर फाइव फ्रेंड्स वो बी के अंदर भी जा चुकी है मतलब सिर्फ एलिमेंट्स एलिमेंट्स गए हैं हैं ठीक है थीके? तो जो भी भी ए के 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 थे वो सारे के सारे आपके बी पास में भी आ चुके अगर आप ए को प्रिंट करें और बी को प्रिंट करें तो देख सकते हैं दोनों के पास सेम वैल्यू है अब फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ ए का जो आपके पास थ्री है सिर्फ समझाने के लिए ए का थ्री यानी कि इंडेक्स नंबर थ्री पे क्या अपने पास फोर पड़ा है इक्वल्स टू फ्रेंड्स मैं फोर्टी कर देता हूँ ए को प्रिंट कर लीजिए बी को प्रिंट कर लीजिए आप देख सकते हैं आपने चेंजेस किस में करे थे ए में करें बी में चेंजेस नहीं किए इसका मतलब फ्रेंड्स ए की जो है आपने कॉपी बनाई है बी में और ए सेपरेट है और बी सेपरेट दो अलग अलग लिस्ट है जबकि इससे पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था दोनों ए की लिस्ट थी बस उसके नाम अलग अलग थे तो एक तरीका था फ्रेंड्स आपके पास लिस्ट को आप यूज कर सकते थे दूसरा आपके पास क्या है कॉपी को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते तो फ्रेंड्स कॉपी के लिए हमें पे क्या करना होगा मैं एक काम करता हूँ फिर से एक और लिस्ट बना देता हूं जिसका नाम एक्स रख देता हूँ ठीक है एक्स इक्वल्स टू फ्रेंड्स मैं इसमें स्टोर कर लेता हूं नाइन एट सेवन समथिंग इस टाइप से कुछ वैल्यू और फ्रेंड्स इस बार मैं क्या करने वाला हूँ वाई इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉपी इस तरीके से आपको लिखना होगा फ्रेंड्स कॉपी आ चुकी होगी एक्स को प्रिंट करके देख सकते हैं वाई के अंदर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ चले पहले वाई को भी प्रिंट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ जैसे एक्स ऑफ टू इक्वल्स टू फ्रेंड्स में लिख देता हूँ सपोज यहाँ पर नाइन कर देता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं एक्स को जब प्रिंट करेंगे नाइन एट नाइन हो चुका है और वाई को प्रिंट करेंगे तो नाइन एट सेवन ही है। फिर से आप कह सकते हैं कॉपी हो चुका है इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ जो हमारे पास वैल्यू है अभी यहाँ पर वाई की ठीक है उसको मैं जेड में डालने वाला हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ जेड इक्वल्स टू और फ्रेंड्स मैं क्या लिख दूंगा वाई जो है उसकी जितना भी डेटा है आपके पास में कॉपी बना रहा हूँ और वो मैं क्या डालने वाला हूँ फ्रेंड जेड में अब मैं देखिए पर y को प्रिंट करने वाला हूँ और z को प्रिंट करने वाला हूँ दोनों में आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो एक और तरीका था कॉपी बनाने का तो कुल मिला के फ्रेंड्स कॉपी बनाने के तीन तरीके अपने देखे जो पहला था लिस्ट दूसरा था अपने पास कॉपी और तीसरा क्या है स्लाइसिस के थ्रू आप सारे के सारे एलिमेंट जो है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग कॉपी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपनी लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं कुछ फंक्शंस को ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने लिस्ट पे तो इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने कुछ फंक्शंस ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने लिस्ट के ऊपर तो फ्रेंड्स थियोरटिकली हम लोग डिस्कस कर चुके थे जिसमें था अपने पास लेन है लिस्ट है इंडेक्स है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ एक्सटेंड अपेंड इंसर्ट पॉप रिमूव क्लियर और इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी है जैसे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे काउंट रिवर्स शॉर्ट सॉर्टेड है अपने पास मैक्स है मिन है सम है लिस्ट है कॉपी है ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसको फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार लैंड को देन लिस्ट इंडेक्स इस तरीके से तो इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने आइडियली को आइडियली जब फ्रेंड्स मैं यहाँ स्टार्ट कर दूंगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ एक एक करके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सबसे पहले लैंड फंक्शन देखना चाहता हूँ मैं फ्रेंड्स ए नाम की एक वेरिएबल बना दूंगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दूंगा जैसे समथिंग जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं ए में स्टोर हो जाएगा देन उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना लेन ऑफ ए आपको लिखना पड़ेगा आप देखेंगे इसके टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स सिक्स हैं तो फ्रेंड्स ये रिटर्न कर देगा सिक्स को ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग लिस्ट देखना चाह रहे हैं लिस्ट हम लोग जानते हैं किसके लिए काम में आता है तो फ्रेंड्स हम लोग इसको देख सकते हैं जैसे रिटर्न्स अ लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ पास्ट आर्ग्यूमेंट जो भी आप इसको पास करेंगे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है जैसे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं मैं लिख सकता हूं बी इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ और हमने लिखा भी था फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यूब टैक ठीक है इस टाइप से फ्रेंड्स मैं लिख देता हूं डब्ल्यू एस अब देखिए मैंने इसको क्या एक लिस्ट मिल जाएगी इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ इसी लिस्ट में काम कर लेते हैं मैं फ्रेंड्स यहाँ प्रिंट करना चाह रहा हूं इंडेक्स ठीक है तो मेरे पास इसका एक फंक्शन होगा जिसमें मैं यूज करने वाला इंडेक्स तो मैं क्या कर दूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर बी डॉट इंडेक्स और फ्रेंड्स इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ई e कहाँ आया हुआ है मैं ये देखना चाहता हूं ई e कहाँ पर आया है तो ई e क्या है फ्रेंड्स अपने पास एक स्ट्रिंग है एक करेक्टर है इसलिए मैं ये करूंगा तो ई e कहाँ मिला फ्रेंड्स उसका इंडेक्स बताएगा देख ले डब्ल्यू एस सी यू बी ई ठीक है तो वो क्या कर रहा है उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं इंडेक्स के बाद में यहाँ पर एक्सटेंड को और साथ में अपेंड को पहले हम लोग अपेंड करके देखते हैं अपेंड का मतलब होता है इसके लास्ट में आप एक और करेक्टर स्टोर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं कर देता हूँ बी डॉट ठीक है यहाँ पर क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स अपेंड और अपेंड के अंदर आप क्या पास करने वाले तो फ्रेंड्स मैं एक करेक्टर पास करने वाला हूँ जैसे कि फ्रेंड्स मैं लिख देता सपोज जे तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो जे उसके लास्ट में एड होगा या नहीं होगा उसके लिए फ्रेंड्स मैं बी को फिर से प्रिंट करूंगा आप देखेंगे क्यूब के लास्ट में जे को इसने इंसर्ट कर लिया या कह सकते हैं अपेंड कर लिया अपेंड हमेशा लास्ट में होता है अपेंड में केवल आप एक वैल्यू ही जो है वो पास कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू पास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है एक्सटेंड को मैं ऐसा कर सकता हूँ बी डॉट एक्सटेंड लिख देता हूँ ठीक है बी डॉट एक्सटेंड और इस बार जो आप पास करेंगे फ्रेंड्स वो आपको वैल्यू ए की पास करनी पड़ती है और इसको आप कन्वर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखने वाला था जोधपुर ठीक है तो जोधपुर के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ इस टाइप से यहाँ पर अलग अलग आप चाहे तो एलिमेंट्स डाल सकते हैं ठीक है आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नंबर डालना चाह रहा हूँ सपोज इजी रहेगा मैं लिख देता हूँ सिक्स सेवन एट समथिंग कुछ नंबर आप पास करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आप बी की वैल्यू प्रिंट कर लें जे के बाद में 6, 7, 8 आ रहा है क्या इसका मतलब ठीक है अपना सब कुछ सही चल रहा है अपन को एक्सटेंड भी समझ में आ गया इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं इसके बीच में कहीं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ तो क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पर इंसर्ट इंसर्ट के लिए क्या यूज कर सकता हूँ तो फ्रेंड्स फंक्शन अपने पास ये होगा बी डॉट ठीक है क्या करना है अपन को इंसर्ट करना है ठीक है तो हम लोग कर देंगे बी डॉट इंसर्ट और इंसर्ट कहाँ करना है आपको पहले तो बताना उसका एक इंडेक्स तो मैं इंडेक्स नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक में फ्रेंड्स C जहाँ है वहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ क्या स्टोर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं करना चाहता हूँ नाइनटी एट ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब क्या आएगा फ्रेंड्स डब्ल्यू एस नाइनटी एट और उसके बाद ये आगे चला गया जा चुका है सी इस टाइप से ये कुछ आएगा तो फ्रेंड्स हम बी को प्रिंट करके देखते हैं डब्ल्यू एस सी आगे जा चुका है 98 आ चुका है तो ठीक है ये भी आपको समझ में होगा कि हम लोग जो है वो वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं लास्ट में ऐड करना चाहते हो अपेंट लगा दो लास्ट में एक से ज्यादा करना चाहते हो एक्सटेंड लगा दो और फ्रेंड्स अगर आप इसके बीच में कहीं कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर फंक्शन यूज कर सकते हैं कौन सा है अपने पास इंसर्ट ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सपोज एक फंक्शन होता है पॉप तो मैं क्या कर सकता हूँ बी डॉट पॉप कर लेता हूँ ठीक है बी डॉट पॉप करने का क्या होगा फ्रेंड्स अगर आप इसमें कुछ पास नहीं करेंगे तो लास्ट वाला जो भी एलिमेंट है कौन सा था एट था उसको ये रिमूव कर चुका है ठीक है आप चाहते हैं फिर से देखना आप बी को देख सकते हैं आपको यहाँ दिख जाएगा लास्ट में गायब हो चुका है अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है अगर चाहते हैं बीच में से किसी एक को हटाना जो भी आप हटाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो जो भी इंडेक्स बताओगे नहीं बताओगे तो लास्ट वाला कर लेगा अदरवाइज आपको ये लिखना पड़ेगा बी डॉट पॉप

तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लास्ट में जो अपन ने जे लिख रखा है ठीक है मैं इसको जे को जो है यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ इस टाइप से आप लिख सकते हैं आप फ्रेंड्स तो सिक्स सेवन को आप हटाना चाहते हैं पॉप कर सकते हैं आप चाहते हैं रिमूव करना रिमूव कर सकते हैं आप चाहते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से क्लियर करना ठीक है तो आप क्लियर भी कर सकते हैं क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बी डॉट क्लियर बस आपको इतना लिखना है फ्रेंड्स अब मैं आपको ये कह सकता हूँ बी जो था ठीक है प्रिंट करके देखते हैं बी जो था उसकी जितनी भी वैल्यूज थी जितने भी एलिमेंट थे सारे के सारे क्लियर हो चुके तो अपने पास यहाँ पर क्या बच चुका है फ्रेंड्स केवल एक एम लिस्ट तो आपने क्या कर दिया क्लियर के थ्रू अपनी सारी लिस्ट को या जो भी आपकी लिस्ट थी उसको आपने एम लिस्ट बना दिया है। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोगों ने क्योंकि पिछली बार जो है वो बी को एम कर दिया था अब हम लोग वापस यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक फ्रेश लिस्ट बना देता हूँ तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू फ्रेंड्स सपोज सेवन एट फाइव समथिंग ऐसे कुछ भी नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ठीक है तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर जो एक लिस्ट बन चुकी है और इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज मैंने स्टोर कर दिए फ्रेंड्स अगर आप देखें यहाँ पर सेवन टू टाइम्स है एट जो है आपके पास अलग अलग टाइम पर डाल रखा है फाइव मैंने डाल रखा है तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं यहाँ पे काउंट करना तो उसके लिए क्या सकता हूँ लिखेंगे हम लोग ए डॉट काउंट ठीक है ए डॉट काउंट ऑफ क्या ढूंढना चाहते हो कितनी बार करके बताओ सेवन टू बार है इसी टाइप से मैं लिखना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि एट कितनी बार आया तो एट कितनी बार आया वो बताएगा टू टाइम्स जो भी आप देखना चाहते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं अपने इस लिस्ट को रिवर्स करना तो आप क्या कर सकते हैं रिवर्स प्रिंट करवाना चाहते रहे केवल रिवर्स प्रिंट करवाना चाहते रहे तो क्या लिख सकते हैं ए डॉट रिवर्स बस इतना सा लिखना है फ्रेंड्स अगर आप ए को प्रिंट करेंगे देख सकते हैं अभी जो आपके पास सेवन एट फाइव था उल्टा हो चुका है आपके पास उल्टा रिवर्स इसको इसने जो है स्टोर कर दिया है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसको सॉर्ट करके देखना तो आप क्या लिख सकते हैं ए डॉट सॉर्ट तो उसको क्या कर देगा सॉर्ट कर देगा ए को प्रिंट कर लीजिए टू टू थ्री फाइव फाइव सिक्स सेवन सेवन समथिंग अगर आप फ्रेंड्स इसको चाहते हैं रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना तो आप वो भी कर सकते हैं क्या लिखना होगा आपको आप लिखेंगे ए डॉट सॉर्ट और बस आपको यहां पर पास करना होगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू ठीक है कुछ इस टाइप से आपको लिखना होगा अगर आप इस बार ए को प्रिंट करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स रिवर्स ऑर्डर में आपको वैल्यू मिल जाएगी तो फ्रेंड्स सॉर्टिंग में क्या होता है दो टाइप के फंक्शन मिलते हैं एक होता है सिंपल सॉर्ट सिंपल सॉर्ट क्या करता है उसी को सॉर्ट करता है नेक्स्ट आपके पास आने वाला है सॉर्टेड तो सॉर्टेड में क्या होगा फ्रेंड्स आप इस टाइप से लिखेंगे जैसे ए की वैल्यू या बी की वैल्यू यही पड़ी रहे अपने पास जो अभी पड़ी है ठीक है जैसे सपोज फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू और एक लिस्ट बना देता हूँ इस टाइप से फ्रेंड्स आपने इसमें कोई वैल्यू डाल दी और आप चाहते हैं ये चेंज नहीं होना चाहिए इसकी कॉपी बन के जाए ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ बी इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ ए बस ये लिखना होगा तो इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास सॉर्टेड आ गया ए की वैल्यू यही पड़ी है की वैल्यू शॉर्ट हो चुकी है ठीक है तो अगर आपको कि उसी को करना है, तो कर लो, आप कुछ और फंक्शन भी होंगे जैसे मैक्स होगा जैसे मिन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैक्स ऑफ ए तो मैक्स ऑफ ए कितना सबसे बड़ा नंबर था अपने पास यहाँ पर नाइन इसी टाइप से फ्रेंड्स आप मिन कर सकते हैं मिन ऑफ ए सबसे छोटा नंबर क्या है ए है इसी टाइप से फ्रेंड्स आप सम ऑफ ए कर सकते हैं टोटल कितने हैं तो टोटल नंबर जो भी आप करेंगे तो टोटल आ जाएगा उसका थर्टी सेवन ठीक है इस टाइप से फ्रेंड्स आप और भी इसमें खूब सारे फंक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं तो कुछ कॉमन फंक्शन है जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स कुछ और फंक्शन भी है यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट है ठीक है तो सिक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करना भी बताया था कॉपी था जो ट्रू कॉपी हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए लिस्ट को या कॉपी को आप यूज कर सकते थे तो ऐसे कुछ खूब सारे फंक्शन है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करें तो इसी टाइप से फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इतना ही कवर करें लिस्ट को हम लोगों ने प्रैक्टिकली डिस्कस कर लिया लिस्ट क्या होती कैसे है कैसे क्रिएट करते हैं कैसे डेटा स्टोर करते हैं कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने उसको जो है वो ज्वाइन करके देख लिया है हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लीगेट करके देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर जो है उसकी स्लाइसेस बना ली है बहुत सारे और ऑप्शन ऑपरेटर्स और या ऑपरेशन जो है हमने अप्लाई किए अपनी लिस्ट के ऊपर तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही कवर करें मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू